Very, very good morning to all my dear students. Good morning, please. Good morning, बैठे. अच्छा, क्वेश्चन पेपर सबको मिल गया ना? May 23 वाला सबको मिल गया ना? ठीक है. 100 पेज नंबर 98. पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था कि नहीं? कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है ये? 86 है. ठीक है, कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है किसी ने बहुत गड़बड़ किया है, ITC लिया है, तो एक बार उसको बोलेंगे रुक जाओ, यूज़ नहीं करना, पहले हम सारा चेक करके देखेंगे, अगर कन्विंस होंगे तभी अलाउ करेंगे. और जो क्वेश्चन पेपर आपके पास है उसका लास्ट पेज निकालो, पेज नंबर 8. जो क्वेश्चन पेपर है उसका लास्ट पेज, पेज नंबर 8, उसके बॉटम पे देखो. क्वेश्चन नंबर 8B बॉटम पे रूल 86A ऑफ द CGST रूल्स 2017 प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल बिलीफ मे नॉट अलाउ डेबिट ऑफ एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू सच क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक एड लेजर स्टेट द ग्राउंड एज गाइडेड बाई CBIC ऑन विच रीजन फॉर सच बिलीफ मस्ट बी बेस्ड ऑन. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो इसका पूरा पूरा आंसर ये बनेगा जो क्वेश्चन 5 है. तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ अभी एक सिंगल पेज पर लिख के दो आंसर, तो क्या आप लिख पाएंगे? 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख लो, सीधा सीधा है. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप लिखो इसको, तो क्या आप लिख पाएंगे? देखो, इसका सीधा याद करने का तरीका क्या है कि या तो जिसने इनवाइस इशू की वो नहीं है, गायब हो गया, या उस प्लेस पे उसका बिजनेस नहीं है, या जो ITC ले रहा है वो नहीं है, या उसके पास इनवाइस वगैरह नहीं है, या इनवाइस वगैरह है लेकिन सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया है. इस तरह से टिप्स पे याद करना 3-4 पॉइंट, उसी को सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है. मेन बात क्या है, जो इनवाइस देने वाला वो बंदा ही गायब है. कौन तुम्हें इनवाइस दे के चला गया दुनिया से, गायब हो गया, मतलब झूठी इनवाइस होगी तभी गायब हो गया. या जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पे गए, वहाँ उस एड्रेस पे कुछ है ही नहीं, या आपके पास इनवाइस आई नहीं बिना इनवाइस के ले डाला, या इनवाइस आपके पास आई है जिसने इनवाइस जिसने पेमेंट तो किया ही नहीं गवर्नमेंट को टैक्स का, झूठा इनवाइस इशू करके चला गया वो. तो ऐसे मेन मेन पॉइंट्स बीच में याद करने हैं, फिर उस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो, आंसर में कन्वर्ट कर, देखो आप रीड करके देखो, अब याद हो जाएगा. 2 मिनट में इसको दोबारा रीड कर लो.
देखो इसको दूसरे तरीके से देखिए, अभी हमने एक सेक्शन 16 करना है। वो सेक्शन 16 ये बता रहा है कि ITC लेने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और ये कह रहा है तुम्हें कहा था ये ध्यान रखना नहीं रखा, तुम्हें कहा था ध्यान रखना नहीं रखा, तुम्हें कहा था ध्यान रखना नहीं रखा नहीं रखा, जाओ ITC ब्लॉक कर दिया, अभी नहीं लेना। तो ये कह रहा है कि देखो रजिस्टर्ड डीलर हो आप हो, ये तो होना ही चाहिए, ITC सभी मिलता है, लेकिन इन्वाइस भी तो आपके पास आए, सामान भी तो आए, जिसने इन्वाइस दिया वो गवर्नमेंट को टैक्स भी तो दे। ये बातें सेक्शन 16 में अभी आएगा, ये बाद में पार्ट उसी का रिपीटेशन है। वो कह रहा है ITC लेने के लिए इन्वाइस होनी चाहिए, ये कह रहा अच्छा बिना इन्वाइस के ले लिया। वो कह रहा सामान आपके पास आना चाहिए, कह रहा है अच्छा बिना सामान के ले लिया। वो कह रहा है जिसने आपको इन्वाइस दिया उसको गवर्नमेंट को पेमेंट भी करना था, अच्छा बिना पेमेंट के ले लिया। ये रूटीन है, दो एक्सट्रीम है। अच्छा वो बंदा है ही नहीं, ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई कि बंदा नहीं हो तो टैक्स रेट नहीं लेना, तो ये क्या बात, बोली पर्सन ही नहीं है ये कह रहा है। इतनी हैरानी की बात कि वो फिक्टिशियस पर्सन को इन्वाइस दे के चला गया, आपको एड्रेस दिया पता, वहाँ गए तो पता लगा उस एड्रेस पर बिजनेस ही नहीं कर रहा, या जो टेस्ट रेट लिए जा रहा है वो खुद ही गायब है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है। तो ये ऐसे आपस में लिंक होके आ रहे हैं। तो अभी 86 ये करेंगे, जब 16 करेंगे मैं फिर इसको करेक्ट कर दूंगा 16 को, शायद ये आज की क्लास में आ जाए सेक्शन 16। ठीक है, अब दोबारा देख लेंगे। बार अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये इनफैक्ट पहले काम आता था, आजकल काम ही नहीं आ रहा, और ये सेक्शन 16 भी पहले काम आ रहा था, आजकल काम ही नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से दोनों अब हटी जाने चाहिए। तो पहले वाला सिस्टम मेरे पीछे बताया था, दोबारा बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या था। ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। अब तो गवर्नमेंट से हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हमने बना लिए हैं, अब भूल जाओ तुम, ये सब तुम कर ही नहीं सकते। देखो पहले क्या सिस्टम था, जब 1717 को ये GST आया था तो गवर्नमेंट ने कहा भी सप्लायर रिसिपिएंट, तुम जो है GSTR 1 इशू करो, तुमने टैक्स का पेमेंट किया नहीं किया डू नॉट मैटर, इस रिसिपिएंट को ITC लेना अलाउड है, इसका कोई GSTR 2 भी नहीं होगा। हम क्यों बनाएंगे 2B, तुम बनाओ, तुम हमें बताओ कि ये तुम्हारे ITC बन रहे ले लो। तो गवर्नमेंट का तो कुछ पता ही नहीं था, इधर से ये बंदे का कोई ऑफिस है ही नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, ये तो बैठा खाली इन्वाइस इशू किया जा रहा है, जिसको लेनी है ले लो, जितने की कहोगे बना देंगे। GSTR 1 ये इशू कर देगा, पेमेंट नहीं करेगा, ना 3B भरेगा ना पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट इसको चेक ही नहीं कर रही थी, ये ITC लिया जा रहा था। बाद में पता लगा इतने सारे फ्रॉड हो गए तो उन्होंने कहा जाओ अब तो हम 2B देंगे तभी आप ले सकते हो, और 2B तभी मिलेगा जब ये बंदा GST 1 भरेगा और टैक्स का पेमेंट करेगा। पेमेंट नहीं करेगा हम 2B देंगे ही नहीं आपको, अपने आप कुछ ले ही नहीं सकते। तो बेसिकली 2B के बाद इसका रिलेवेंस ख़त्म हो गया, अपने आप तो झूठा ले ही नहीं सकते। इसमें 2B तभी मिलता है जब GST 1 आएगी, उसका पेमेंट हो जाएगा तो सब चेक करेंगे। तो 2B की वजह से अब ये प्रॉब्लम है नहीं, ये पहले थी, पर फिर भी अभी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपने ले लिया किसी भी तरीके से तो हम आपको फॉर द टाइमिंग रोक देंगे। देखो ये दोनों बातों में फ़र्क देखिए, आपने अवेल कर लिया, हमने नोटिस दे दिया आपको, इस पीरियड में आपने यूटिलाइज कर दिया, फैसला हुआ कि गलत है वापस करो, फिर ये रिकवरी करना बहुत मुश्किल काम है। लॉ का जो प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो है। अब आप देखो वो पहलवान वाला पार्ट, वो पहलवान वाले में गवर्नमेंट कह रही है हम क्या करें, मैटर कोर्ट में चला गया चलेगा, वो कोर्ट में जाके 10 साल बाद फैसला आएगा, 10 साल वेट करना पड़ेगा, इतना स्लो प्रोसेस है। इसके बाद वो बंदा क्या करेगा, हाई कोर्ट में अपील कर देगा, 10 साल वहाँ निकाल देगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देगा, 10-15 साल वहाँ निकाल लेगा, तब तक जो उसकी एज है वो शायद दुनिया से चला जाएगा, फिर वो कहेगा करवा लो पनिशमेंट जाओ। ये तो तुरंत इमीडिएट एक्शन हो तभी कुछ हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या एक बार इसको यूटिलाइज मत करने दो,
वरना लॉ का प्रोसेस इतना लेंथी है, लड़ने वाला थक जाता है। अब जो एक माइनर लड़की थी, उसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ ही कर ली। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं करना केस, मेरी वापस कर दो एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, क्योंकि माइनर का अगर चार्जेज है तो पर्सन को अरेस्ट पुलिस को करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, साबित होना ना होना वो बात की बात है। और अगर मेजर का है तो पुलिस की मर्जी है, अरेस्ट करे ना करे। तो पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा माइनर तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, हम क्या करें। तो उसको एक्ट जो है उसके अंदर एप्लीकेशन हो माइनर लगा सकते हैं, उसमें इमीडिएटली अरेस्ट हो जाता बंदा, वो इन्वेस्टिगेशन सीधा अरेस्ट करेंगे पहले, फिर बात करेंगे भाई क्या बात है। तो एनी वे मैं तो ये समझा रहा हूँ आपको, वो नहीं समझा रहा, मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। ये स्टे है, एक बार रुक जाओ, कुछ नहीं करना, हम बताएंगे। अब आई थिंक आपको याद रहेगा 86 से, अब रीड कर लो दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी आया, ये पिछले एग्जाम में भी आया था ये 86 से, देखो एक बार रीड कर लिया। अच्छा अब बताइए, अब आप लिख सकते हो क्वेश्चन 5 का आंसर। अब तो सारा टिप्स पे हो गया। इनवॉइस नहीं है एक रीजन, गुड्स नहीं है दूसरा रीजन, इनवॉइस इशू हुई है टैक्स नहीं पे किया तीसरा रीजन, इशू करने वाला नॉन एग्जिस्टेंट या बिजनेस नहीं है चौथा रीजन, अवेल करने वाला नहीं है या बिजनेस नहीं है पांचवा रीजन। चलो अब आप देख लेना अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वो 86A था, 86B है। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डिस्चार्ज लेवी टुवर्ड टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच लाइक इन केसेस वेयर द वैल्यू टैक्स अप्लाई अदर देन एग्जम्प्ट 0 टू सप्लाई इन मंथ एक्सीड 50 लाख रुपीज। बड़े बड़े पर्सन के लिए है, छोटे मोटे के लिए नहीं है, जिसके टैक्स अप्लाई पर मंथ 50 लाख से ज़्यादा है, उससे बड़े बड़े लोगों पे हमारी नज़र है। इफ़ इनपुट एस्टेट इज 5 लाख, टैक्स पेबल 4 लाख, इन दिस केस CITs कैन बी यूटिलाइज अप टू 396 एंड बैलेंस अमाउंट हैज़ टू पेड थ्रू कैश लेजर। द सेट एक्सटेंड शैल नॉट अप्लाई विद द सेट पर्सन और प्रोवाइडर और करता मैनेजिंग डायरेक्टर एनी ऑफ इट्स पार्टनर फुल टाइम डायरेक्टर मेंबर मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एज द केस में पेड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स फॉर विच टाइम यू टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 एक्सपायर्ड रिस्टमेंट रिसीव रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओन अकाउंट ऑफ यूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो सबसेक्शन 3 ऑफ 54 रिस्टमेंट रिसीव रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ओन अकाउंट यूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट अंडर क्लॉज 2 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो। बॉक्स को छोड़ के उसके आगे रजिस्टर पर्सन डिस्चार्ज ये लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर अमाउंट विच इन एक्सेस 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ रजिस्टर पर्सन दिस। एक बार रफली रीड करिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये पार्ट क्या है, मेरी जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी लेजर के अंदर वो है 10 लाख रुपया और ITC भी है मेरे पास 10 लाख रुपया, क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? मेरी लाइबिलिटी भी 10 लाख, टैक्स क्रेडिट है, कैश में क्यों पेमेंट करूँगा मैं, एडजस्ट कर देता हूँ, कर सकता हूँ? तो उसे कर सकते हो, लेकिन हमें ना कुछ डाउट हो रहा है। तो मैंने कहा डाउट क्या? वो कह रहे जितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है ना ITC मच लेस होता है, क्योंकि हर पर्सन सामान खरीदेगा सस्ते में, बेचेगा महंगे में, तो ये कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता ये इक्वल हो जाए और ये लाइबिलिटी से भी ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत है, कोई ना कोई झूठा क्रेडिट आपने दे रखा है। ये वही केस है कि किसी ने झूठा इनवॉइस बना के दे दिया और आपने टेस्टेड ले लिया, ऐसा कुछ है। तो हम एकदम से तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे 99% ऑफ दिस से ज़्यादा नहीं। इसका 99% बना, ये 10 लाख है, ये 10 लाख है, तो इसका 99% तक यूज़ कर सकते हैं, 100% नहीं। तो 1% अभी हमारे पास बचा रह जाएगा,
तो 9-10 कितना मैं 9,90,000, 10,000 का टेस्टेड बचा लो, इन अदर वर्ड 10,000 कैश में पेमेंट करो, कुछ ना कुछ पेमेंट कैश में करो, 99% ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और जब यह आपकी रिटर्न हमारे पास आएगी तो हम आपका केस स्कूटरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे कि 99% यूज़ कर लिया, अभी बच भी गया तुम्हारे पास, इतना कितना टेस्टेड है, कहाँ से आया, तुम्हारा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके हम निकाल लेंगे कहाँ से आ रहा तुम्हारे पास। ये पर्पज़ इस रूल का है, ये इंडिकेटर है, अगर आप 99% या ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है, इंडिकेटर है देर इज़ समथिंग रॉन्ग, आ ही नहीं सकता ये। हमारा होता है मुश्किल से 10% होता है, हमारा जितना आउटपुट होता है 10%, कभी 5%, कभी 8% सर्विस प्रोवाइडर का, बिजनेस वाले को और ज़्यादा कर लो, 50% कर लो, 55-60 कर लो, इतना तो हो ही नहीं सकता। फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ये बात हर एक पे अप्लाई नहीं करेगी भाई, जो डीलर हैं जो एक महीने में 50 लाख से ज़्यादा का सामान बेचते हैं, बड़े बड़े डीलर, ये उन पे लगेगा, छोटे मोटे को परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी आपका डायरेक्टर है या पार्टनर है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई है, अगर वो इनकम टैक्स का पेमेंट करता है 1 लाख से ज़्यादा का, तो हम मान लेंगे शायद आप ऑनेस्ट पर्सन होंगे, उतना टैक्स उधर पर आप पे कर रहे हो तब भी आपके ऊपर ये सिस्टम नहीं लगेगा, अगर आप अच्छा खासा इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो भी चलो हम छोड़ देंगे। फिर उन्होंने कहा ये क्यूमुलेटिव देखा जाएगा, मान लो पिछले महीने हमारे पास टेस्टेड कम था, इस महीने ज़्यादा है, दोनों को मिला के देखा जाएगा, दोनों के आउटपुट जोड़ दो, दोनों के जोड़ दो, अगर मिला के 99% होगा तो भी छोड़ देंगे। जैसे देखिए अप्रैल की पोजीशन ले लो, अप्रैल में 100 लाख की मेरा आउटपुट है और 100 लाख का मेरा, लेट्स सी 90 लाख का मेरा ITC है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एडजस्ट हो गया, 90 लाख है तो 99 लाख तक एडजस्ट कर सकता हूँ मई में, ये भी 100 है, ये भी 100 है, अब मिला के देखो, अगर मिला के देखूँ तो मैं ये 200 हो गया दोनों को मिला के, और ये 190, तो ये 190 इसके 99% से कम है, इसलिए पूरा पूरा 100 एडजस्ट कर लो, क्यूमुलेटिव देखा जाएगा। पिछले महीने 90 लाख यूज़ किया है, 90 था, इस महीने 100 है, दोनों को मिला के देखो 200 का 99 कितना बना, 198, मैंने तो 190 यूज़ किया, 198 तक यूज़ करना अलाउड है, तो इसलिए पूरा पूरा 100 एडजस्ट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव चेक करेंगे पर्टिकुलर मंथ की बजाय, जितने महीने साल के पहले निकल चुके हैं मिला के देख लो, यानी किसी मंथ में अगर 99 से कम यूज़ किया है तो वो डेफिशिएंसी आप इस महीने में पूरी कर सकते हो। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से रीड करो, एक एक करके पॉइंट सब आते जाएंगे। ये जो मिला के चेक करने वाला पार्ट है ना, ये डी पार्ट में लिखा हुआ है, देखो डी पार्ट में है, रजिस्टर पर्सन डिस्चार्ज इज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इधर से 99 कह लो या कैश में 1% कह लो, अगर आपने सब मिला करके कैश में ऑलरेडी 1% से ज़्यादा दे दिया या कह लो ITC 99 से कम लिया है तो कोई बात नहीं, क्यूमुलेटिव है तो अलाउ हो जाएगा। इसमें डिस्चार्ज इज टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी applied cumulative up to the third month of current financial year. देखो दोबारा देखिए इस पार्ट को, अप्रैल में मेरी लायबिलिटी 100 लाख, लेकिन ITC है 90 लाख तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 लाख मैंने फिर कैश में पेमेंट कर दिया होगा, न्यूट्रलाइज कर दिया मई, ये 100
ये 100 पूरा यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं क्यूमुलेटिव चेक करूँ 200 लाख, मुझे ITC अलाउड है 99 का मतलब 198, और मैंने कितना यूज़ किया 190। या ऐसे कह लो कैश पेमेंट कम से कम 1% होना चाहिए, कैश पेमेंट कम से कम 1%, 1% का मतलब ना 2 लाख, मैं तो ऑलरेडी 10 लाख दे चुका हूँ। तो ऐसे चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो, उनसे कैश में आपको कम से कम 1% देना है, तो 1% तो 2 लाख बना ना 200 लाख का, मैं तो 10 लाख दे चुका हूँ, उनसे फिर ठीक है। या ये कह लो ITC आपको 99 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 99% 200 का कितना बनेगा 198, इतना कर सकते हो यूज़। मैंने तो अभी तक 190 यूज़ किया है। तो इस पर्टिकुलर मंथ में आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंडीशन आप पूरी कर रहे हो। तो यानी हम तो बेसिकली पूरे साल के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, साथ साथ आप चेक करते जा रहे हैं हर मंथ में। ये पार्ट डी है, फिर रीड करके देख लो। अब इसमें और पार्ट है, और पार्ट ये है कि ये जो पर्सन है जिसकी ये सिचुएशन है, वो कह रहा जी मेरे को तो ITC बहुत ज़्यादा मेरा बनता है, जेन्युइनली बनता है। पिछले साल देखो 1 लाख का तो आपने मुझे रिफ़ंड ही दिया था। अगर मेरा जेन्युइन नहीं होता और ज़्यादा नहीं होता तो आप मुझे रिफ़ंड क्यों देते? आप चेक कर लो आपने रिफ़ंड दिया है। और रिफ़ंड हमने कहा था 2 कारणों से मिलता है, कौन कौन से? या तो जीरो रेटेड सप्लाई हो या इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। तो उसे ये 1 लाख का रिफंड चाहे जीरो रेटेड की वजह से मिला या इन्वर्टेड की वजह से मिला, किसी भी कारण से पिछले सालों में आपको 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड मिल चुका है, तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ये बात मैं एक बार रीड करता हूँ कहाँ पर दी हुई है। पॉइंट नंबर बी में आइए, बी में आइए, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्ड रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख रुपीज़ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट एस्टेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 54(3). अब ये इसमें सेक्शन 54 में मैंने कहा था रिफंड दे रखा है, 54 में एग्जैक्टली कहाँ दे रखा है वो बॉक्स में लिख रखा है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉक्स मैं आपको रीड करवाता हूँ। 54(3) ये सेक्शन है 54 का पार्ट, ये ओरिजिनल सेक्शन है। कहाँ लिखा है देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज इनपुट एज क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड प्रोवाइडेड नो रिफंड स्ट्रक्चर शैल बी अलाउड इन केसेस अदर देन। ये 2 केस में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। सबसे पहला जीरो रेटेड सप्लाई, तो इस 1 का रेफरेंस ऊपर आ रहा है इस कारण से 1 लाख से ज़्यादा। फिर सेकेंड में इन्वर्टेड आ रहा है, ये ऊपर सी पार्ट में आ रहा है, इस कारण से मिले, चाहे 1 की वजह से मिले चाहे 2 की वजह से मिले, किसी वजह से आपको 1 लाख से ज़्यादा मिले। योर क्रेडिट हैज़ बीन एक्युमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स बीइंग हायर, इनपुट का रेट ज़्यादा है देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, तो नेचुरली वो ITC इकट्ठा होता चला जाएगा। अदर देन निल रेटेड और फुली एग्जम्प्ट सप्लाईज एक्सेप्ट फॉर गुड सर्विस और बोथ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिक्वायर्ड काउंसिल। ये बी और सी को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है 54 से, बॉक्स की जरूरत नहीं है, आप बी और सी को रीड कर लो। देखो जो इसका बी पार्ट है, मैं कह सकता हूँ रिफंड बिकॉज ऑफ जीरो रेटेड, सी रिफंड बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। अब ये जीरो रेटेड की बात कहाँ दी हुई है? 54(3)(1), ये इससे कनेक्टेड है। इन्वर्टेड की बात कहाँ दी हुई है? 54(3)(2), ये इससे कनेक्टेड है। तो इसको अगर आप छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बी पार्ट कह रहा है रिफंड का रीजन क्या है, जीरो रेटेड। सी कह रहा है रिफंड का रीजन क्या है, इन्वर्टेड। लेकिन वो जीरो रेटेड और रिफंड ना कह के क्या कह रहा है, 54.31, 54.32, वो टेक्निकल मैनर में कह रहा है 54.12 यहाँ है। तो इसको हम हटा भी सकते थे, मैंने जान से छोड़ा है ताकि हमेशा आपको ध्यान रहे रिफंड डील करता 54 इज ए लेंथी सेक्शन, उसके 54 ब्रैकेट 3 के पार्ट 1-2 में दिया हुआ है, 54 में और भी बहुत कहानी है। ये जो पार्ट है ये तो जरा सा पार्ट है 54.31, 54.32, इसलिए बॉक्स को छोड़ा है, याद रहेगा आपको 54 में कहाँ पे दिया हुआ है ये बात, आप रीड करके देख लो। अब देखिए इसका पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अंडर रूल 86B, लिस्ट 4 सिचुएशंस वेयर रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई। सीधा नोट नहीं आया, वो कह रहे 86B में रेस्ट्रिक्शन है, कोई 4 पॉइंट बताओ जब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। तो कौन से 4 पॉइंट है? नंबर 1, डायरेक्टर पार्टनर वगैरह ने इनकम टैक्स का पेमेंट किया हो पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज़्यादा। सेकंड पोजीशन, सेकंड कंडीशन के रिफंड यहाँ मिला हो इस वजह से 1 लाख से ज़्यादा का। नेक्स्ट कंडीशन क्यूमुलेटिव, मिला के देखें अगर क्यूमुलेटिव कैश नज़र के थ्रू कम से कम 2% का पेमेंट कर दिया, या कह लो क्यूमुलेटिव ITC में 99% से कम यूटिलाइज किया है, उस केस में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी क्यूमुलेटिव। लास्ट में लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कंडीशन लगती है, मान लो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बिजनेस कर रहा है, वो भी रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कुछ नहीं कहना, गवर्नमेंट से हमारा डिपार्टमेंट हम अपने आप देख लेंगे, वो एंड में दिया हुआ। अब पूरा रीड करके देख लो, एटी सिक्स बी कब नहीं लगेगा, 5 केस है, और कब लगेगा, 2 पार्ट है इसके। 86B लगेगा कब, जब पर्टिकुलर मंथ की टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज़्यादा है, तब इसके प्रोविजन लगा के चेक करेंगे, और कब नहीं लगेगा, आगे 5 कंडीशन। 5 में छठी ऐड करनी हो तो जब सप्लाई पर्टिकुलर मंथ की 50 लाख से कम हो तो भी नहीं लगेगा, वो भी इसमें चला जाएगा। तो ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, 1 बार ऐसे आया हुआ, 1 बार ऐसे आया हुआ, 86B, फिर रीड करके देख लो। अब देखो 54.3 को, वैसे तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, लेकिन 1 में क्या था, जीरो रेटेड, और 2 में है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वाले में मैंने इतनी बात बताई है, खरीदने का रेट ज़्यादा है और बेचने का कम है। नहीं, जब आप रीड करोगे इसमें तो आपको लगेगा कुछ एक्स्ट्रा भी है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो आप।
आप लोग या कुछ एक्स्ट्रा है लेकिन ये नहीं पता लिखा क्या हुआ है, देखो दोबारा, फिर उसका मीनिंग भी बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो मैंने खरीदा, रेट है 10%, बेचने का है 1%, तो क्या ये केस 53(2) में कवर्ड है कि अगर आप खरीदेंगे ज़्यादा रेट देंगे, बेचेंगे कम रेट देंगे, क्या ये कवर्ड है? कवर्ड है, वो ज़्यादा है कम है। लेकिन वो कह रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कह रहे, कल को आप कह दो जी इसका नील है, मैं तो इसमें कवर्ड होता हूँ, हम इसकी बात नहीं कह रहे क्योंकि ये भी ज़्यादा है और ये कम है, नील तो और कम है, क्योंकि नील वाले को तो मिलता ही नहीं टेस्ट एडिट, कौन से टेस्ट एडिट कैसे लोगे आप? कल को आप कह दोगे जी आपने कहाँ लिखा है, नील वाली बात डिस्कस ही नहीं की, आपने तो कहा था ये ज़्यादा और ये कम है, नील भी तो कम है, उनसे नील और जीरो नील अगर है और एग्जम्प्ट है फिर तो आउटपुट है ही नहीं ना, फिर आपने ITC लिया कैसे? यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक ITC, कुछ ना कुछ रेट होना चाहिए तो ये सिस्टम लगेगा, नील और एग्जम्प्ट के ऊपर सिस्टम नहीं लगेगा, फिर ITC नहीं मिलेगा। कहीं कोई आर्ग्यू करे कि जी आपने कहा था ये ज़्यादा है कम में, नील कम तो है, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं होता तो ITC मिलता ही नहीं है, जबकि वो अंडरस्टूड है फिर भी क्लैरिफाई किया है कि जी आप कह रहे हो वो ज़्यादा ये कम, 1% भी कम है, नील भी तो कम है, नील तो और कम है, नील और एग्जम्प्ट पे क्लोज नहीं लगेगा, फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, ITC ले कैसे लिया आपने, जब तक तो आउटपुट नहीं होता ITC मिलता ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट सेज मान लो 10 और 1 है, तो सब जगह ऐसा नहीं होगा रिफंड मिल जाएगा, हम बताएंगे कौन सी गुड्स में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन उसमें लिस्ट दे रखी है पूरी, इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें वैसे हम देखेंगे क्या कारण है, किस केस में जेन्युइनली मिलना चाहिए किस केस में नहीं चाहिए। तो ये 54(3)(2) का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 100% जानना चाहते हो क्या, तो ये है, आप रीड करके देख लो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। गवर्नमेंट भी आगे बताएगी नोटिफिकेशन से कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें लिखा ना लास्ट टाइम में एज वी नोटिफाइड द गवर्नमेंट अंडर रिकमेंडेशन काउंसिल, हम बताएंगे किस में आपको रिफंड मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, हर किसी में नहीं मिलेगा, हम चेक करके बताएंगे। और अभी जो रियलिटी में अलाउड है सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे अलाउड है और किसी पे अलाउड नहीं है, ओनली ऑन कंस्ट्रक्शन, उसे कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, बिल्डिंग के लिए किसी का कंस्ट्रक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उस पर आउटपुट का रेट कम है, इनपुट का रेट 28% इतने परसेंट उतने परसेंट, चलो उसमें ले लेना आप, सिर्फ एक में अलाउ किया किसी में अलाउड नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में अलाउड है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उतनी चाहिए नहीं, मैं तो वैसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि पूरी नॉलेज हो जाए आपको। और ये पार्ट कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये गवर्नमेंट वगैरह है तो फिर नहीं लगेगा, तो ये सिस्टम नहीं लगेगा। अब गवर्नमेंट की बात देखो थोड़ी कर लेते हैं, गवर्नमेंट जो है दो टाइप के काम करती है, एक तो गवर्नमेंट का असेंशियल काम है भाई जो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्सेस, इलेक्शन करवाना, ये तो असेंशियल काम है गवर्नमेंट के, करने पड़ेंगे। और एक गवर्नमेंट करती है एक्स्ट्रा काम, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिहेविंग एज पब्लिक अथॉरिटी, एक्स्ट्रा काम, जैसे DTC, DTC चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, मेट्रो चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, इंडियन रेलवे चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, दूरदर्शन चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा है ये सब काम करो, कॉन्स्टिट्यूशन का मत करो, ये तो प्राइवेट सेक्टर काम है, प्राइवेट सेक्टर करेगा, इसीलिए इस समय गवर्नमेंट इन सबको बेचने पर लगी हुई है कि हमारे काम कहाँ हैं, बिना मतलब के टाइम इसमें हम खराब कर रहे हैं, जो असली काम है वो तो हो नहीं रहा, इनमें लगे हुए हैं, सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लाइटिंग का सिस्टम करना, एजुकेशन का सिस्टम देखना, हेल्थ का सिस्टम देखना, वो असेंशियल काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो तो हो नहीं रहे, ये सब हो रहे हैं, तो इनको बंद करो। और जब तक ये चल रहे हैं आपको भी GST देना पड़ेगा। अब आप बताओ DTC की बस में GST लगता कि नहीं लगता? DTC की टिकट पर एयर कंडीशन होगी तो लगेगा, नॉर्मल होगी तो नहीं लगेगा। मेट्रो को एग्जम्प्ट किया हुआ है, मेट्रो स्पेशली रेलवे में जाएंगे फर्स्ट क्लास पे GST लगेगा, और एयर कंडीशन क्लास में जाएंगे GST लगेगा, नॉर्मल सेकंड क्लास में जाएंगे बिना AC वाली पे GST लगेगा। तो मान लो जिस पे GST लगेगा वहाँ पे गवर्नमेंट को भी तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 40 लाख क्रॉस करके 20 लाख क्रॉस करवाए, जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, GST लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो उसे वो लेने देने में ये जो रूल 86B है ये नहीं लगेगा, 86B गवर्नमेंट के ऊपर, ये मीनिंग है। गवर्नमेंट सर्विसेज का पूरा पार्ट है डिटेल में, लगभग एक क्लास पूरी गवर्नमेंट सर्विस पर डिस्कस करनी है हमें, उसका बैकग्राउंड में बना रहा हूँ, वहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में गवर्नमेंट कौन को, जैसे गवर्नमेंट पासपोर्ट इशू करती है वो गवर्नमेंट का काम है, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट वो गवर्नमेंट का काम है, ड्राइविंग लाइसेंस वो गवर्नमेंट का काम है,
डीटी से चलाना एक गवर्नमेंट का काम नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्यों चलाती है? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वाली जो बसेज हैं टाइम पे कोई सी नहीं चलेगी, वो खड़ी रहेंगी, जब तक पूरी नहीं भरेगी नहीं चलेगी। ई रिक्शा सिस्टम हो जाएगा, सारी बड़ी बड़ी बसें भी ई रिक्शा स्टाइल में चलेंगी, जितनी मर्जी सवारी भर लेंगी, जहाँ हाथ दे दिया वहीं ब्रेक मार देंगे, फिर सवारी ना निकल जाए ले लो। तो जो एक प्रॉपर सिस्टम है वो ब्रेक कर जाएगा। गवर्नमेंट उन्हें कंपटीशन देती है, तुम ये सब करोगे पब्लिक तुम्हारी बसें छोड़ के गवर्नमेंट की बसों में चढ़ जाएगी, और गवर्नमेंट की बस ही नहीं होगी तो प्राइवेट वाले का जाओगे कहाँ, आओगे तो फिर मेरे पास। तो ये पर्पज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, बहुत सारे बिजनेस गवर्नमेंट करती है, वो इसलिए करती है मोनोपोली को तोड़ने के लिए। मान लो मेट्रो बंद कर दें तो आप अंदाजा लगा लो कितना रश होगा ई रिक्शा वगैरह इसमें, और ऑटो वाले डबल रेट चार्ज करेंगे, कोई मीटर से नहीं जाएगा, ऑटो लेने के लिए लाइन लगी होगी, ऑटो अवेलेबल नहीं होगा, उसमें 200 रुपये कहेगा 400 रुपये लगेंगे। अब ऑटो वाले को पता है जरा सा कुछ बोला ये गया मेट्रो से, मेरी सवारी गई, देखो इसका रेट। ये पार्ट अभी आगे बहुत काम आएगा, पूरी एक क्लास का पार्ट आएगा, मैं तो आगे वालों का बैकग्राउंड बना रहा हूँ पहले, और ये भी 54 के भी रेफरेंस कई जगह आएंगे, उसका भी मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ, देखो रीड करके। मैंने पहले बता दिया था GST इतनी नॉलेज बढ़ाएगा आपकी, इनकम टैक्स कोई नॉलेज नहीं बढ़ाता, इनकम टैक्स कैलकुलेशन नॉलेज कुछ नहीं बढ़ाता, ये तो पूरी दुनिया आपको क्लास में दिखाएगा GST, कभी इसकी बात कभी उसकी बात कभी उसकी बात, ठीक है, देखो रीड करके। अब बताइए क्या आप इस पे नोट लिख सकते हो 86B पे? अगर मैं आपको दूं 5 मिनट का टाइम, क्या आप लिख सकते हो मेन बातें? 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल की सप्लाई, तो ये लगेगा। नहीं लगेगा अगर आपने इनकम टैक्स 1 लाख से ज़्यादा तक का दिया है पिछले 2 सालों में। नहीं लगेगा आप 1-1 लाख का रिफंड लिए जा रहे हैं, चाहे इन्वर्टेड में चाहे जीरो रेटेड में। फिर नहीं लगेगा अगर आपका क्यूमुलेटिव कम से कम 2% कैश लेजर से पेमेंट किया है, या कह लो आपने 99% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया, कम यूटिलाइज किया है। और फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर स्टैंडर्डिंग पर नहीं लगेगा, और एक बार रीड करके देख लो, क्योंकि इसमें याद तो करना पड़ेगा, बिना याद के नहीं लिख पाओगे, लिख वही पाएगा जो याद करेगा।
ऐसा करते हैं, मैं अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप साथ साथ याद करते रहो, अगला क्वेश्चन करने के बाद लिख लेना। अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप इसको रिवाइज करते रहो माइंड में साथ साथ, मैं अगला कराता रहूँगा, ये भी साथ साथ रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे उसके अगले बाद उस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बताना, इसमें आपको सब पता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको पता ही है। द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन्ड इन जीएसटी पीएमटी 05, गवर्नमेंट ने कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया हुआ, इसे मेंटेन होगा। एनी पर्सन शैल जनरेट ए चलान फॉर्म ऑफ पीएमटी 06, आपको पता ही है पेमेंट करना तो कौन सा चलान होता है, पीएमटी 06 ऑन द कॉमन पोर्टल। एंटर डिटेल्स अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, पेमेंट की डिटेल हमने एंटर करनी है, बाकी पर्टिकुलर ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं। चलान इन फॉर्म जीएसटी जनरेट द अकाउंट पोर्टल शेल वैलिड 15 डेज, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी, अगर इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी तो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, 15 दिन तक चलान हमें वही मिलेगा। डिपॉजिट शेल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, जो पैसा डिपॉजिट करना है वो इंटरनेट बैंकिंग से करो, UPI से करो, IMPS से करो, मतलब ऑनलाइन मेथड कोई भी हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करो, NEFT से हो, RTGS हो, लेकिन अगर आपको बैंक में जाके पेमेंट करना है कैश में तो 10,000 तक अलाउड है, बहुत ही कम पेमेंट है तो फिर ये मैनुअल हो सकता है, वरना ये मैनुअल नहीं हो सकता। ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज बैंक फॉर डिलीवर अपटू 10,000 रुपीज़ पर चलान पर टैक्स पीरियड, एक चलान के साथ में 10,000 तक का पेमेंट दे सकते हैं, दूसरा चलान डिपॉजिट कराएंगे फिर 10,000 दे सकते हैं बाय कैश। प्रोवाइड दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर डिलीवर अपटू 10,000 पर चलान इन केस ओवर द काउंटर शैल नॉट अप्लाई टू डिपॉजिट टू बी मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, वो जैसे चाहे वैसे करें, जैसे अभी हमने ऊपर किया। प्रोपर्स ऑफ अथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड नॉट, इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिमूवल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर ऑफिसर अथराइज फॉर द अमाउंट्स कलेक्टेड बाय कैश चेक डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इतना एक बार रीड करो, डिस्कस करते हैं फिर इसको। देखिए अब इसमें ओवर द काउंटर कितना अलाउड है, 10,000, ये कंडीशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं लगेगी। और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिकवरी किया है एसेट को सेल करके, फिर भी नहीं लगेगी। और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सच कंडक्ट किया है फिर भी नहीं लगेगी। देखो इसका क्या मतलब है, एक पर्सन से गवर्नमेंट को GST चार्ज करना है, GST लेना है 50,00,000 रुपये का, जो वो दे नहीं रहा, तो उसके एसेट को बेचा गया है। अब एसेट को बेच के 50,00,000 आया तो नेचुरली कैश में ही तो आएगा, एसेट भी क्या है, तो इस 50,00,000 से हम उसका GST एडजस्ट करेंगे। और अगर हम कंडीशन लगा दें 10,000 से ऊपर का नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो कैश जितना मर्जी हो, वो तो जब वो अपने आप डिपॉजिट करवाएगा तब की बात है, 10,000 से ज़्यादा का कैश में डिपॉजिट करवाएगा। हमने ज़बरदस्ती उससे रिकवरी की है, सामान बेच के कैश आया तो क्या होगा, कैश डिपॉजिट कर देंगे। अब लेट्स सी उसके यहाँ सर्च कंडक्ट की, पता लगा जी टैक्स की चोरी की है, सर्च कंडक्ट की तो कैश मिल गया घर के अंदर, और सारी उसने कैश ट्रांजैक्शन की हुई थी, वो कैश उठा लाए, उसमें से टैक्स पहले एडजस्ट होगा, बैलेंस उसको वापस मिलेगा, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो वैसे तो ये दोनों पार्ट सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अब सेक्शन के बीच में कहीं कहीं को रेफरेंस आ रहा है तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी नॉलेज को बढ़ाएगा ये कि इस तरह से गवर्नमेंट, मैंने इनकम टैक्स में भी आपको बताया था कि कोई इनकम टैक्स का पेमेंट ना करे उसके एसेट बिक जाएंगे, बेच के रिकवरी करेंगे। सर्च कहीं कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो कुछ भी हाथ में आएगा सब उठा लाएंगे, सारे कैश, सारे वैल्यूएबल, सारे डॉक्यूमेंट सब सील करके ले आएंगे, बाद में उसको कहेंगे तुम्हारा केस चलेगा, जो हमारा बनता है वो काट लेंगे, बाकी तुम ले जाना। याद कर लीजिएगा रेड मूवी देखी होगी ना, कितने सारे ट्रंक भर के लाए थे, याद आ गए होंगे ना ट्रंक, तो ट्रंक में क्या था, कैश, ज्वेलरी, ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स, ऑल्सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें भी डाउट है सब उठा के लाएंगे। फिर वो मैटर कोर्ट में चलेगा, कोर्ट फाइनल फैसला देगी, उतना उसमें से कटेगा, बैलेंस उसको देंगे। वैसे जब लाते हैं तो उसमें एक सिस्टम और होता है, जहाँ से लाएंगे पड़ोसियों को बुलाया जाएगा और पड़ोसियों को आना पड़ेगा कंपलसरी, उनके सामने लिस्ट पहले बनती है, भाई ये सामान देखो हम ले जा रहे हैं, फिर बाद में कह दे हम 1 करोड़ ले जा रहे हैं, वो कह दे जी 10 करोड़ ले गए थे हमारा, तो
लिस्ट बनेगी एक एक सामान की, उस पर सबके साइन होंगे विटनेसेस के, उस पार्टी के होंगे, ऑफिसर्स के होंगे, वो लिस्ट इसके साथ रख के इसमें डाल के सील कर देंगे, फिर सील करके उसको लेके आएंगे और एक कॉपी हमारे पास रहेगी, कोर्ट में देंगे जी ये कुछ हम लेके आए हैं। अगर वो कह रहे नहीं नहीं जी गलत है, ज़्यादा लेके आए हैं, तो सील किया हुआ है, सील ओपन करके देख लो कितना है। तो हमारा पॉइंट तो ये है, अभी कैश में रिकवरी होगी तो ये तो कैश एडजस्ट हो जाएगा, एक बार यूज करके देख लो। फोर्थ पॉइंट, आई पेमेंट रिक्वायर्ड टू मेड फॉर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड। भाई बिना रजिस्ट्रेशन के तो पेमेंट हो नहीं सकती, फिर भी आपको कोई पेमेंट करनी तो कोई बात नहीं, एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है पोर्टल से, वो नंबर लेके पेमेंट कर दो ताकि पता लग जाए पेमेंट किसने किया है। फिर पेमेंट मिड बाई NEFT और RTGS फ्रॉम द बैंक द मैंडेट फ्रॉम सेल। जैसे हम साइट ओपन करेंगे, कॉमन पोर्टल पर जाएंगे, चलान फॉर्म डिमांड करेंगे, पेमेंट के पर्टिकुलर भरेंगे, तो जिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, उसका मैंडेट फॉर्म अपीयर हो जाएगा। तो बस वही बात लिखी हुई है, मैंडेट फॉर्म अपीयर हो जाएगा और ये मैंडेट फॉर्म 15 दिन तक वैलिड रहता है, बाद में पेमेंट करना चाहे बाद में कर सकते हैं। प्रोवाइड दैट द मैंडेट फॉर्म शैल वैलिड फॉर 15 डेज डेट ऑफ जनरेशन चलान, एक बार ऑडिट करके देख लो। ये पार्ट ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। फिर हमने कहा था जब पेमेंट हो जाएगी तो बैंक जिसमें 3 डिजिट का नंबर देगा, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगला पार्ट ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ द अमाउंट टू द कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट अथॉराइज बैंक के चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी नोटिफाइड बाय द कलेक्टिंग बैंक, जिस बैंक के अकाउंट में पैसे जमा होगा वो 3 डिजिट और जोड़ के 14 के अंदर 17 डिजिट का आ जाएगा चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। 14 था CPIN, साथ में 3 और मिल गए तो CIN बन गया 17 डिजिट का। और रिसीट ऑफ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जब वो बैंक कंफर्म कर देगा तो कॉमन पोर्टल से कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर कर देगी। बिहाफ ऑफ डिपोजिट कॉमन पोर्टल शैल मेक अवेलेबल रिसिप्ट, और एक रिसिप्ट कॉमन पोर्टल से ही मिल जाएगी। विद द बैंक कंसर्न पर्सन द पर्सन मेकिंग डिपोजिट ऑन बिहाफ इज डेबिटेड बट नो चलान। बाई चांस हमारा अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट नहीं हुआ तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल को, GST PMT 07 में फाइंड आउट करेंगे पैसा कहाँ चला गया। बस रीड करके देख लो, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं, बस रीड करके देख लो एक बार रीडिंग। इसके आगे की टर्म मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। सबसे पहले 14 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, चलान फॉर्म पे लगेगा, जिसको बोलते हैं CPIN कॉमन पोर्टल डेफिनेट नंबर, क्रिएटेड फॉर एवरी चलान सक्सेसफुली जनरेटेड बाय टैक्स पेयर 14 डिजिट नंबर आइडेंटिफाई द चलान। ये 15 दिन के लिए चलान वैलिड रहता है, CPIN इज वैलिड फॉर 15 डेज। जब पैसा पहुँच जाएगा कलेक्टिंग बैंक में तो 3 डिजिट इसके साथ और लगेंगी, 17 डिजिट का आएगा चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक वंस पेमेंट इन लियो ऑफ जनरेटेड चलान सक्सेसफुल 17 डिजिट नंबर दैट इज 14 डिजिट प्लस 3 डिजिट। सिन इज जनरेटेड बाय द अथॉराइज बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड, ये कन्फर्मेशन है पेमेंट रिसीव हो गई है। बाय बैंक आर बीइंग क्रेडिटेड इन द रिलेवेंट गवर्नमेंट अकाउंट हेल्ड विद देम, इट इज एन इंडिकेशन दैट द पेमेंट हैज बीन रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकाउंट। सिन इज कम्युनिकेट टू द अथॉराइज बैंक टू द टैक्स पेयर बाय द अथॉराइज बैंक टू द टैक्स पेयर एज वेल एज GSTN। अब जिस बैंक से पैसा डेबिट हुआ है वो कन्फर्म करेगा, वो 3 डिजिट का नंबर देगा, बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाई बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट चलान। ये वो ब्रांच है जहाँ पैसा डिपॉजिट होगा, हर बैंक एक ब्रांच स्पेशली डिजाइन करके रखता है इस काम के लिए, एंड इट इज कॉल्ड EFPB स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ अथॉराइज बैंक विच आर अथॉराइज टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ GST। ईच अथॉराइज बैंक विल नॉमिनेट वन ब्रांच इन एज इट्स EFPB। EFPB इज टू ओपन अकाउंट ईच मेजर एट। ये लास्ट क्लास में पार्ट हो गया था हमारा, एक बार रीड करके देख लो इसको।
कोई डाउट है तो चेक कर लो। इसमें देखिए फिर वही बात, समझने वाली बात इसमें कम है, याद करके लिखने वाली है। अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ब्रीफली, क्या आप लिख पाओगे? क्या क्या लिखना मैं बोल के दिखा देता हूँ। फर्स्ट वी शैल डिमांड द रेलिवेंट चलान फॉर्म PMT 06। इट विल हैव मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स। मेजर हेड विल दिखा टाइप, शो द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, एंड माइनर हेड विल शो वेदर इट इज टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी एटसेट्रा। देन व्हेन चलान विल अपियर, इट विल हैव ए CPIN कॉमन पोर्टल नंबर ऑफ 14 डिजिट, एंड व्हेन द पेमेंट हैज बीन मेड 3 डिजिट मोर शैल बी एडेड बाय द कलेक्टिंग बैंक, इट विल बिकम चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। The bank which has made the payment will give us BRN, bank reference number of 3 digit. The amount shall be collected by focal point branch of the relevant bank, and a receipt shall be given to the account holder also, that it will show it in the cash ledger. Briefly मैं बता रहा हूँ, इतना लिख पाओगे आप? जो बिल्कुल क्लियर है, देखो मतलब बात को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। एक बार वो रीड करके देख लो, ट्राई करेंगे, या तो वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन एक बार रीड करके देख लो। देखो CPIN एंड SIN क्या डिफरेंस है दोनों में? जब भी चालान डिमांड करेंगे वो नंबर के साथ आएगा डिमांड, चालान इनकम टैक्स में नहीं आता। इनकम टैक्स में चालान का अलग से कोई नंबर नहीं होता। जैसे इसमें PMT 06 है, उसमें ITNS 280-281 है, अलग से कोई नंबर नहीं है। वो बैंक में जाओ, काउंटर पे दुनिया भर के पड़े होते हैं, उठाओ भरो पेमेंट कर दो, ऑनलाइन भी करेंगे कोई नंबर नहीं है। बाद में अगर पता लग गया पैसा कहीं चला गया, फिर ढूंढते रहो, बड़ा मुश्किल है उसको लोकेट करना। ये लोकेट हो जाएगा, इससे नंबर से फटाफट पता लग जाएगा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जब पेमेंट कर देंगे, जो बैंक कलेक्ट कर रहा है, जिसके पास आ रहा है, फोकल पॉइंट ब्रांच होगी उस बैंक की, वो जब ये पेमेंट आ जाएगा उसके पास, तो 3 डिजिट इशू करेगी, कंफर्मेशन पैसा आ गया, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये 17 डिजिट का बनेगा क्या? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है। अब कोई बात है, इस नंबर से बैंक से बात कर लो, बैंक बता देगा पेमेंट का है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसकी कोई खास बात नहीं है, BRN
जिस बैंक से हमने पेमेंट किया था उसने कन्फर्मेशन दिया है बैंक नंबर के, आपकी पेमेंट हमने कर दी है। और एफपीबी की कोई खास रेलिवेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच जिसमें पैसा डिपोजिट होता है, दो टर्म तो बहुत जरूरी है। फिर पीएमटी 06 के बारे में दो बातें बताना जरूरी है। पीएमटी 06 कंटेन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन विच आर ऑटो पॉपुलेटेड, अपने आप डिपार्टमेंट भरता, हम नहीं भरते, सीपीआईएनबी डिपार्टमेंट देता है। लेकिन हमें क्या भरने हैं, मेजर हेड एंड माइनर हेड, मेजर हेड एंड माइनर हेड। मेजर हेड में क्या आता है, टाइप ऑफ द टैक्स, सीजीएसटी एसजीएसटी। माइनर हेड में क्या आता है, टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज, टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज। टैक्स भरना वो भी आएगा, अदर ड्यूज है वो भी आएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन पीएमटी 06 के बारे में लिख दो पेमेंट करते हुए कि पीएमटी 06 इतना है और पेमेंट का प्रोसीजर है। तो इतनी बात कम से कम लिखी होनी चाहिए। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम का, एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। 86A बहुत पॉपुलर है, 86B बहुत पॉपुलर है। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन उठाओगे अभी देखोगे तो सेक्शन 49 और 50 के कई पार्ट पूछे हुए हैं इसी में। देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था, पेज नंबर 8 के टॉप पे देखो, पेज नंबर 8 के टॉप पे, ये जो मैंने कल लास्ट क्लास में रीड नहीं किया था, मिस्टर मानिक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स अंडर लाइबिलिटीज अंडर जीएसटी एक्ट, लाइबिलिटी रजिस्टर, टैक्स ड्यूज मे, इंटरेस्ट ड्यूज मे, पेनल्टी ड्यूज मे, टैक्स ड्यूज जून, किस ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। फिर नीचे लिखा है मिस्टर मानिक वांट्स टू प्लेस लाइबिलिटी ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 31, डिस्कस द प्रोविजन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी 49A। देखिए पाँच नंबर का ये क्वेश्चन है, 86 से नीचे था, पाँच नंबर का ये क्वेश्चन है। एक क्लास के चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन है, 40 में से टोटल जीएसटी 40 नंबर का है। फिर 12 नंबर के मल्टीपल चॉइस है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से मल्टीपल चॉइस में भी तो आए होंगे एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल सा पार्ट होगा, जैसे ये बड़े नॉर्मल से पार्ट देखने में लगता है तो यूं ही है, लेकिन जब लिखने लगे तो लगता है कि लिखने में। तो अब बताओ एक क्वेश्चन में दोनों में से दे दूँ आपको, लिख सकते हो 86B और ये, इनमें से एक क्वेश्चन। हाँ जी बताओ, चलो लिखो आप, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप आंसर लिखो। बुक बंद, रजिस्टर ओपन। आपकी चॉइस है, जिसको इसका आंसर लिखना है इसका लिखो, जिसको इसका लिखना है इसका लिखो, आपकी मर्जी है। कोई एक लिख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे, लेकिन बुक से कॉपी नहीं करना, बुक बंद करके लिखना है। और जिसको मैं कहूंगा उसको यहाँ के रीड करना है पूरा आंसर।
अच्छा एक काम और कर सकते हो आप, अगर आपको 86B की सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो ज़रा एक मिनट देख लो पेज 371 पर क्वेश्चन नंबर 8A है, दो मिनट रीड करके देख लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है 86B की। पेज 371 पर क्वेश्चन 8A, रूल 86B रेस्ट्रिक्स द यूज ऑफ इनपुट एस्टिमेट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड लेजर फॉर डिस्चार्जिंग आउट लिस्ट डाउन द एक्सेप्शन टू द रूल 86B। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। देखो मैंने तो 54(3) पूरा पूरा आपको बता दिया नॉलेज के लिए, यहाँ कोई 54(3) का कोई रेफरेंस नहीं, सीधा सीधा आंसर लिख के ख़त्म। थ्री 371 पेज पे ये लैंग्वेज याद करनी है, ये याद कर लो 8A। ये सजेस्टेड आंसर का है, ICAI ने खुद ने दिया सजेस्टेड आंसर में, मॉड्यूल में तो वैसे दिया है जैसे मैंने दिया आपको, सजेस्टेड आंसर में ऐसे दिया है। ठीक है, अब रीड करने के बाद अब लिख लो, चाहे आप 86B लिख लो चाहे प्रोसीजर लिख लीजिएगा।
हाँ जी बताइए, किसने लिखा आंसर? कौन रीड करेगा आंसर पहले? सारे बच्चों ने लिख लिया आंसर, तो सबके रजिस्टर पूरे भरे हुए हैं। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने दोनों के आंसर भी लिख दिया है। जो दोनों के लिख सकते हैं दोनों के लिख देना, दोनों के आंसर लिख सकते हैं दोनों के लिख लो। चलो दोनों के लिख लो सारे बच्चे, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, पास होने की गारंटी हो जाएगी। थोड़ा बहुत भी लिख लेंगे ना, हर क्लास में एक भी क्वेश्चन लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आने की गारंटी हो जाएगी। हर क्लास में सिर्फ एक एक ही बहुत है, वो एक से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हर क्लास में एक क्वेश्चन लिख लेंगे हम, आज की क्लास में दो लिख लो। हाँ जी कार्तिक, हो गया लिख लिया दोनों के? एक का एक पढ़ोगे, दूसरे का भी लिख लो, दोनों लिख लो दोनों का। क्या कह रहे हो? दूसरा नहीं, दोनों छोटे छोटे हैं। दूसरे वाला कौन सा बड़ा है? प्रोसीजर फॉर GST। ये आपको तो ब्रीफ में लिखना है, पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 5 पॉइंट में ख़त्म कर दो। पॉइंट्स में लिख लो, थ्योरी का आंसर पॉइंट में सबसे बढ़िया रहता है। प्रोसीजर फॉर पेमेंट वाले में 5 पॉइंट में ख़त्म कर दो, 5 पॉइंट बना के प्रोसीजर ख़त्म कर दो। जैसे 86 भी लिखा हुआ ना, सजेस्टेड आंसर का दिखाया आपको, कितना बड़ा क्वेश्चन कितना सा बना दिया, छोटा सा पार्ट बना के ख़त्म कर दो 5 पॉइंट में। पॉइंट्स में लिख लो, थ्योरी पॉइंट्स में सबसे अच्छी रहती है। तुम बुक खोल के बैठे हो? बुक खुली तो हुई है, देखने का क्या पता, एक बार भी नजर इधर एक बार भी उधर, बुक बराबर खोल के रखी हुई है, कह रहा देख नहीं रहा मैं। तो एग्जाम में भी ऐसे रख लेना, पूछे तो क्या देख नहीं रहा, और तुम तो खाली बुक ही खोल के बैठे हो, सारी लाइन को चीटिंग करा रहे हो। बुक तो बंद कर। हाँ जी, कितने बच्चों ने दोनों के आंसर लिख लिए हैं? 1, 2। चलिए लास्ट 2 मिनट और हैं, दोनों के आंसर कंप्लीट कर लो। प्रोसीजर वाले को पॉइंट में लिखना, 5 पॉइंट में ख़त्म कर दो, बहुत ब्रीफली 5 पॉइंट में फिनिश कर दो इसको।
पेमेंट में आपको CPIN और CIN जरूर एक्सप्लेन करना, बाकी BRN की कोई बात नहीं, EFPP की कोई बात नहीं, ये जरूर बताना। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो पार्ट है, CPIN एंड CIN। बाकी PMT 06 के बारे में बता दो, मेजर हेड्स माइनर हेड्स, और बताना चाहो तो लिख देना, ओवर द काउंटर पेमेंट अलाउड है 10,000 तक, और बताना चाहो तो बता देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेबल नहीं होता कितना भी बढ़, और बताना चाहो तो बता देना, अगर रिकवरी की है GST की या फिर सर्च वगैरह में कैश मिला है तो ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करता। हाँ जी बताइए, हो गया आंसर दोनों क्वेश्चन के? कितने स्टूडेंट के आंसर कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन के? चलो हमारे इस चैप्टर का ना एक छोटा क्वेश्चन बचा है, वो भी पूरा करवा देता हूँ, फिर आप बचा हुआ कंप्लीट कर लेना। पहले एक छोटा क्वेश्चन बचा हुआ है वो करवा देता हूँ, पर्पज ये था टू ए गुड एक्सटेंट आपको याद हो जाए, वो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से तो अब तो, बाकी बचा हुआ तो आप घर पर भी कर लोगे, एक बार स्टार्टिंग हो जाए तो फिर वो एंड तो हो ही जाता है। तो एक क्वेश्चन बचा हुआ पहले वो करवा दूँ, देखो जरा पेज नंबर 100 पर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 100 पर बॉटम पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसके अलावा तो सारा हो गया ना चैप्टर, कुछ छोड़ा तो नहीं ना हमने, देखो पर इसको, आर प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड अंडर GST, यस एज पर सेक्शन 49 ऑफ द CGST एक्ट 17, एवरी पर्सन हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस बोथ अंडर दिस एक्ट शैल अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड बाय हिम वी डीम टू हैव पास्ड ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, इनफैक्ट सप्लायर शैल चार्ज GST फ्रॉम द रिसिपिएंट एंड इफ GST चार्ज इन एक्सेस इंसिडेंस इज ऑन द रिसिपिएंट हेंस रिफंड शैल बी ग्रांटेड टू रिसिपिएंट बिकॉज अदरवाइज शुड बी अनजस्ट एनरिचमेंट। देखिए प्लीज पार्ट को, सप्लायर है 10,00,000 का पेमेंट लिया है, 2,00,000 का GST लिया है, रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, सप्लायर ने 2,00,000 गवर्नमेंट को दे दिया, बाद में रिसिपिएंट ने कहा मुझे सर्विस नहीं दे रही मेरा पैसा वापस कर दो, तो उस केस में 10,00,000 वापस होगा कि 12,00,000? कहीं से हम सर्विस लेने गए, आप सामान खरीद के लाए, आप चेक कर लेना, ऐसा हुआ होगा कि आपने सामान खरीदा बाद में वापस करने गए, हो सकता है कभी कभार वापस करना पड़े, तो हमने कहा हमारा पैसा वापस करो विद GST, तो विद GST वापस करते हैं या विदाउट GST वापस करते हैं? किसी का कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस रहा तो बताओ कैसे वापस किया था? देखो पहली बात तो वो क्रेडिट नोट देंगे आपको, क्रेडिट नोट, क्योंकि देखो सामान वापस नहीं हो करते, लेकिन चलो हम कर रहे हैं, पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्रेडिट नोट ले जाओ, जब कभी सामान खरीदना लिया ना सामान ले जाना, मार्केट में पॉपुलर तो पहले क्रेडिट नोट है, भाई आज सामान नहीं खरीदा कल तो खरीदोगे कभी तो खरीदोगे, क्रेडिट नोट की बात आपको ऑलरेडी पता है क्या सिस्टम रहता है, क्रेडिट नोट इशू करने के बाद सप्लायर रिपोर्ट कर देगा गवर्नमेंट को, जितना टैक्स अमाउंट है अगली टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कर देगा, फिर जब कभी वो दोबारा क्रेडिट नोट लेके आएगा तब टैक्स का पेमेंट कर देगा, करेक्ट? क्रेडिट नोट की बात हम कर चुके हैं, क्रेडिट नोट पे भी लास्ट टाइम 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन नोट आया हुआ है, नोट ऑन क्रेडिट नोट, लेकिन हमने कहा जब हमने सामान लेना ही नहीं है कभी नहीं लेना, क्रेडिट नोट किस बात का, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट नोट, हमें तो पैसे वापस करो, तब वो क्या कहेगा कि भाई देखो ऐसा है सिस्टम ये है, गवर्नमेंट ये कह रही है अगर टैक्स हमारे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे, तुम चाहो तो अपनी पॉकेट से वापस कर दो, और अपनी पॉकेट से वापस करके उससे लिखवा लोगे टैक्स दे दिया, अब आप हमें अप्लाई करो, अब हम आपको वापस कर देंगे, आप अपनी पॉकेट से वापस कर सकते हो,
फिर हमसे रिफंड क्लेम को RFD 1 फॉर्म होता है वो भरो, 6 महीने बाद जाके वापस आएगा। तो शॉपकीपर कह रहा मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं अपनी जेब से क्यों दूँ, मैं तो कह दूंगा कस्टमर को नहीं मिलता जाओ, या तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट से ले लो। तो गौ से इसमें ये सिस्टम भी है, क्योंकि ये पैसा तो कस्टमर का है, आपका तो है नहीं। अगर तो आपने अपनी जेब से दे दिया, प्रूफ आपके पास है तो आप दिखाओ, हम आपको दे देंगे। नहीं तो वे आउट ये है, ये हमसे डायरेक्ट क्लेम कर ले, डायरेक्ट गवर्नमेंट से डिमांड करें, हम इसको वापस कर देंगे। और अगर आपने पैसा इसको नहीं दिया और हमने आपको दे दिया तो आप अपनी पॉकेट में रख लोगे। इट इज़ कॉल्ड अनजस्ट एनरिचमेंट। किसी का पैसा कोई अपने पास रखे, अनजस्ट एनरिचमेंट इज़ नॉट अलाउड इन दिस कंट्री। आपको हम देने को तैयार हैं, आप हमें प्रूफ दिखा दो कि आपने इनको दे दिया। अगर आपने प्रूफ नहीं दिखाया आपको नहीं देंगे। और रही बात इसकी, हाँ इसको दे देंगे, ये डायरेक्ट हमसे मांग ले दे देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल GST में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। जिसका टैक्स है उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। टैक्स रिसिपियंट का उसको देंगे, सप्लायर को दे सकते हैं अगर वो प्रूफ दिखा दे कि उसने उसको पेमेंट दे दिया तो दे सकते हैं। पहले इतना रीड कर लो, इसमें कुछ और पार्ट भी है, एक बार इतनी रीडिंग ले लो। अब इसके आगे देखिए, इस रिसिपिएंट ने क्लेम किया ही नहीं, सप्लायर ने 10 लाख दे दिया, बोल दिया 2 लाख अपना ले लो गवर्नमेंट से। वो कह रहा अब गवर्नमेंट से कहाँ लूँ मैं, कौन से फॉर्म भर के भेजूँ, कहाँ जाने दो जी, अब डूब गया डूब गया। अब ये 2 लाख किसका, गवर्नमेंट के अकाउंट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है गवर्नमेंट को देना भी तो अनजस्ट एनरिचमेंट है, गवर्नमेंट का बनता ही नहीं, गवर्नमेंट ने किस बात का लिया? ना इसको गवर्नमेंट हाथ लगा सकती ना सप्लायर, जिसका उसको दो। गवर्नमेंट कह रही है वो आई नहीं रहा हमारे पास, तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो एक फ़ंड बनाओ जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये सारा पैसा गवर्नमेंट उसमें ट्रांसफ़र करेगी। गवर्नमेंट के पास क्या राइट है पैसा रखने का जब गवर्नमेंट का राइट नहीं है? सप्लायर का क्या राइट है, जिसका उसको दो, वरना फिर इस फंड में लाओ कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर का पैसा कंज्यूमर के लिए खर्च होगा। और जितने भी कंट्री में ये प्रोग्राम चलते हैं, जागो ग्राहक जागो एडवर्टाइजमेंट जो आती है, सारी इस फंड से आती है। सारे कंट्री में कंज्यूमर अवेयरनेस में इस पैसे को यूज़ किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, उसके अंदर रेगुलेट होता है। तो ये पार्ट इसमें आगे आ जाएगा कि अगर ये क्लेम नहीं हुआ तो पैसा कहाँ जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में किसके यूज होगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर। तो ये पार्ट सेक्शन 57 और 58 में दिया हुआ है। 57-58 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं 57-58 में छोटा क्रॉस लगवाता हूँ, लिस्ट निकालिए बाहर। पेज नंबर 5 पर देखो सेक्शन 57 में क्या लिखा है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है, कौन सी कमेटी होगी, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा। फिर इसी से कनेक्ट हो जाएगा अगला 58, इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूटिलाइजेशन। लेकिन ये बात क्लियर है, ना इसे गवर्नमेंट अपने पास रखेगी ना सप्लायर रखेगा, जिसका ये उसको देना पड़ेगा। अगर वो ले जाए ठीक है, वरना ये इसमें पड़ा रहेगा। 57-58 छोटा क्रॉस लगा दीजिएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो मैंने 54 पे क्रॉस लगाया था रिफंड, 55 में भी थोड़ा सा पार्ट उसका है रिफंड का, 55 में भी छोटा क्रॉस लगा दीजिएगा, रिफंड इन सर्टेन केसेस 55। और अगर गवर्नमेंट पैसा वापस करती है, लेट हो जाएगी तो इंटरेस्ट भी देगी, इंटरेस्ट और रिफंड का भी पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। 56 पे भी छोटा क्रॉस लगा दीजिएगा। बस अब इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिएगा तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था पेमेंट ऑफ GST, पेज नंबर 100 के बॉटम पे दोबारा रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए पेज नंबर 111। अब पहले ये चेक कर लो, 111 से पहले का तुम्हारा सारा हो गया ना। अब ये पेज 110 तक तो ये चैप्टर इजी से चैप्टर थे ऐसे ही। ये है पहला चैप्टर जो डिफिकल्ट चैप्टर है, इससे पहले वाले तो ऐसे ही थे 110 तक। एग्जाम में तो खैर उनमें से भी बहुत आता है, इजी थे, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इनपुट एस्टेडेट जिसके भी मैं बात कर रहा था ना, सेक्शन 16 की ITC लेने की कंडीशंस, एक्सप्लेन कंडीशन फॉर टेकिंग टेस्ट रेट अंडर GST 16(1), 16(2), रूल 36, 37, इनपुट एस्टेट शुड बी अलाउड इफ एनी पर्सन इज कंप्लाई विद ऑल द कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 16(1), 2। उसे सारी कंडीशन पूरी करने के बाद टेस्टेड लेना है, खाली रजिस्टर्ड पर्सन होने से बात नहीं बनती। टेस्टेड सो अलाउड शुड बी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, लेकिन जो भी आपका बनता है वो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, आपके पास स्टेटमेंट आएगी 2B, उसके बेस पे लेना है, ठीक है। टेस्टेड सो अलाउड इज इन्फॉर्म्ड द कंसर्न्ड पर्सन, सर्निंग कंडीशन देखिए, नंबर 1 सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी ITC ले रहा है रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड के लिए अलाउ नहीं है। सामान उसने जो खरीदा इंस्पेक्शन का होना चाहिए, देखिए कैसे। अब जैसे मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ GST में, मैंने 2 AC खरीदे, एक तो यहाँ लगवा दिया, एक घर लगवा दिया, तो किसका ITC मिलेगा? दोनों का कि एक का? एक का, एक का, बिजनेस वाले का, घर वाले का नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो मैं यूज़ करके आपसे फीस लूँगा, आउटपुट एक्सचार्ज करके गवर्नमेंट को दूंगा, घूम से तो ठीक हो गया। इसका टेस्टेड ले लो और जो स्टूडेंट से तुम पे आउटपुट टेस्ट लोगे वो हमें दे देना, नहीं जो घर पे लगाया उसका आउटपुट टेस्ट कहाँ से आएगा? और जब तक आउटपुट टैक्स नहीं आएगा ITC नहीं मिलेगा। वही बात अभी हम कर रहे थे कि अगर निल रेट है और एग्जेम्प्ट है तो ITC मिलता ही नहीं है, जो देगा भी और जो लेगा भी ITC उसका है। तो इस पे मैंने दिया भी है और इस पे मैं लूँगा भी, क्योंकि ये क्लासरूम में यूज़ हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये लिखा हो, देखो आप अब इससे कनेक्ट करते हैं हम सेक्शन 50 को। सेक्शन 50 में था ना पार्ट ITC रोंगली अवेल्ड, फिर उसके साथ आगे आपकी बार यूटिलाइज्ड। तो मैंने 2 AC खरीदे, दोनों का ITC ले लिया, यहाँ वाला भी घर वाला भी, तो घर वाले का क्या कहलाएगा? रोंगली अवेल्ड। लेकिन मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा है, मैंने यूज़ नहीं किया, गवर्नमेंट ने उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया, वापस करो, तो क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। लेकिन मैंने यूज़ भी कर दिया उसको, अवेल तो किया था 20 जुलाई को, यूज़ किया 20 अगस्त को, और गवर्नमेंट को मैंने वापस किया 20 सितंबर को, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 2 महीने का नहीं लगेगा। पहले 2 महीने का लगता था, आपने अवेल उस दिन किया वापस नहीं आ किया 2 महीने का, दो अब क्या चेंज कर दिया? अवेल की कोई बात नहीं, आपने यूज़ किया था, मैंने कहा यूज़ मैंने यहाँ किया था, तो 1 महीने का निकालो। ये वो सेक्शन 50 है, उसमें 50 में पार्ट 1 और 2 तो पहले भी होता था, लेकिन जो बदला है वो पार्ट 3 बदला है। इसके साथ आया रूल 88B जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये किया था, ये पार्ट न्यू है। ये मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आने की चांसेस पूरे पूरे हैं, 88B 53, ये 53 88B में दिया हुआ है। इन जनरल यूज़ कैसे होता है? जब हम 3B भरते हैं तभी तो यूज़ होगा। तो कह रहे अंडरस्टूड है, 20 तारीख को आपने 3B भरी होगी, उसमें एडजस्ट हो गया तो वो ले लेते हैं। 3B का केस नहीं है, कोई और केस है तो बताओ क्या केस है, कभी यूज़ किया वो ले लेंगे, ठीक है। रोंगली अवेल्ड के सारे एग्जाम्पल आते जाएंगे और साथ में आ जाएगा 86A ने बिजनेस के लिए यूज़ ना करने वाली बात नहीं कही, उसने कहा विदाउट इनवाइस 86A लगा देंगे, विदाउट सामान 86A लगा देंगे, आपके सप्लायर ने सब पेमेंट नहीं किया 86A लगा देंगे, आपका सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता 86A लगा देंगे, आपका सप्लायर का प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, गलत एड्रेस है 86A लगा देंगे, आप लेने वाले खुद ही नहीं हो 86A लगा देंगे। ये 86A में जाएगा जब मैटर थोड़ा सा सीरियस होगा, तब 86A में जाएगा। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, 86A भी करेक्ट हो जाएगा और 50 भी करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, रजिस्टर पर्सन रिसीव्ड हैज रिसीव्ड गुड सर्विस और बोथ और सब्जी हैव बीन रिसीव्ड बाय द एजेंट, भाई आप रिसीव कर लो सामान, आपका एजेंट रिसीव कर ले, एक ही बात है। और अगर सामान लोड्स में आ रहा है, एक ट्रक में आया दूसरे ट्रक में आया, जब लास्ट ट्रक आ जाएगा तब लेना, वरना फिर क्या कराएगा? रोंगली अवेल्ड। इफ द गुड्स अगेंस्ट इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट फॉर रिसीव द लास्ट लॉट। देखो मेट्रो ने एस्केलेटर खरीदा है,
एस्केलेटर एक ट्रक में नहीं आएगा, वो कहेंगे जी थोड़ा सा पार्ट्स आ जाएंगे, थोड़े से जो है अगले हफ्ते आएंगे, थोड़े अगले हफ्ते आएंगे, थोड़े अगले हफ्ते आएंगे। तो आईटीसी कब लेना है? जब लास्ट लोट आ जाएगा। इनवाइस एक होगी, इनवाइस अलग अलग है तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे मेट्रो का और सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट 1722, आप हमें एस्केलेटर सप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी 10 जुलाई, बचे हुए पार्ट आएंगे 20 जुलाई और फाइनली आ जाएगा 31 जुलाई। हमने इनवाइस बनाई है, तीनों की मिला के पूरे एस्केलेटर की इनवाइस बनी है एक। तो इसमें आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें लिखा हुआ है जब ट्रक आएगा पहला, इनवाइस आपको नहीं भेजनी, इनवाइस अपने पास रखनी है, क्योंकि इनवाइस दे दी थी और टेस्टर ले लेगा। दूसरा आएगा लास्ट लोड के साथ इनवाइस आएगी। तो ये सप्लायर पे रिस्ट्रिक्शन है और बायर पे क्या है, रिसिपिएंट क्या है कि ध्यान रखना आपको टेस्टर यहाँ लेना है। पहले पे ले लिया रोंगली अवेल्ड, पहले अवेल करते इंटरेस्ट लग जाएगा, अब अवेल्ड कोई बात नहीं, यूज़ किया तो 5388B हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। तो 5388B वाला जो पार्ट है वो यहाँ काम आएगा इसमें। तो ये अगर सामान के बिना लिया रोंगली अवेल्ड। अब रीड करके देखें, इसका पॉपुलर क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वेलिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16(1) एंड 2। छह कंडीशन है, अभी हमने दो किया, अभी चार और है। छह कंडीशन पूरी करने के बाद लेना, वरना रोंगली अवेल्ड। थर्ड, रजिस्टर रिसीव्ड टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट, आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इट शुड कंटेन कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, सप्लायर का GST, रिसिपिएंट का GST, गुड्स की डिटेल, उसकी वैल्यू, GST, सब कुछ हो, डॉक्यूमेंट आपकी कस्टडी में हो, बिना इनवॉइस के ले लिया रोंगली अवेल्ड। और ये पॉइंट वहाँ लिखा हुआ था 86A में, सेकेंड पॉइंट भी और थर्ड पॉइंट भी, दोनों पॉइंट उसमें है कि बिना सामान के लिया और हमें पता लग गया हम इस पर स्टे लगा देंगे, थर्ड पॉइंट बिना इनवॉइस के लिया स्टे लगा देंगे। ये दोनों पॉइंट 86A में है, फर्स्ट 86A में नहीं है, इसीलिए मैं आपको 86A याद करवा रहा था कि कनेक्ट होते चले जाएंगे। तीसरा पार्ट, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, GST 1, डिटेल्स ऑफ इनपुट टेस्ट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टू द रिसीविंग GST 2, ऑल्सो रिसीव्ड GST 2B। आपको ITC तब लेना जब हम आपको GST 2B दे देंगे, उसके बिना नहीं लेना। 2B के बिना लिया तो रोंगली अवेल्ड, साथ में आपको अपना GST 3B भी भरना। पहले इतना देखो आप, इसमें पहले डाउट देखते हैं क्या क्या है। बिल ऑफ एंट्री तो मैंने एक बार आपको बता दिया था कि नहीं, देखो मैंने इनवाइस इशू किया 10 लाख का, GST 2 लाख का, सप्लायर रिसिपिएंट ने मुझे बाद में बताया कि आपने सामान तो 15 लाख का भेज दिया, मैंने कहा 5 लाख की इनवाइस और बनाता हूँ साथ में GST, तो ये क्या कहलाएगा, डेबिट नोट, या कह दो सप्लीमेंट्री इनवाइस, ये है टैक्स इनवाइस, इसके बेस पे भी ले सकते हो, इसके बेस पे, तो एक ही बात है, डेबिट नोट तो हो गया था ना डिस्कस हमारा, या नहीं हो गया था ना। डेबिट नोट मीन्स सप्लीमेंट्री इनवाइस, सामान ज़्यादा दे दिया, इनवाइस कमी तो एक और बना दो इनवाइस, तो एक ही बात है सप्लीमेंट्री इनवाइस। बिल ऑफ एंट्री मैंने बताया था आपको, जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो वो आएगा कहाँ पे, कस्टम स्टेशन पे, सामान हुई थी ना थोड़ी बात, तो कस्टम स्टेशन वाले कह रहे थे हमारे पास 1000 लोगों का सामान आया है, तुम्हारा कौन सा है, मैंने ऐसे जाके किसी भी सामान को हाथ लगा दिया, ये वाला है वो मैं लेके चल पड़ूंगा, तो कह रहे ऐसे सामान नहीं मिलेगा, आप ये डॉक्यूमेंट भरो। कौन सा डॉक्यूमेंट? बिल ऑफ एंट्री, ये है उस डॉक्यूमेंट का नाम। बताओ आपका सामान कौन से कंट्री से आया है, कितनी वैल्यू का है, अगर आपका तो आपको पता होगा इनवॉइस आई होगी, कितने पैकेट है इसका, आपके पास मैरीन इंश्योरेंस आया होगा, इंश्योरेंस की कॉपी होगी, इनवॉइस की कॉपी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा। इस तरह से करीब करीब 30-40 डॉक्यूमेंट होते हैं जब सामान इंपोर्ट करते हैं। बिल ऑफ लैडिंग होगा, जिस शिप से सामान आ रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री के साथ लगा दो कॉपी। अब अपना क्लेम लॉन्च करो, अब हम अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा सामान है आपका, सारे पर्टिकुलर इसमें है। फाइंड आउट करने के बाद पूछेंगे आपसे कितने का है, आपने कहा 10 लाख का है, हमने कहा इसके ऊपर BCD निकालो, 10% का रेट है मान लो 11 लाख, अब इसके ऊपर IGST निकालो, मान लो 20% का रेट है 220, तो टैक्स बन जाएगा 1+220, 320 का टैक्स दे के ले जाओ सामान, और ये बिल ऑफ एंट्री में लिख देंगे, वो मेंशन कर देंगे BCD हमने इतना लिया है, IGST इतना लिया है, तो टेस्ट रेट वो ले सकता है IGST का, तो बिल ऑफ एंट्री उसकी कस्टडी में हो, अब वो IGST का टेस्ट रेट ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम यह, टू बी में कैसे आएगा? टू बी में तो ये आया ही नहीं, वो तो सामान मैं इंपोर्ट करके ले आया, कस्टम डिपार्टमेंट को पेमेंट कराया, डॉक्यूमेंट मेरे पास है, टू बी में तो आया नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो ये कॉमन पोर्टल है और एक कस्टम डिपार्टमेंट की पोर्टल है सी गैट, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों लिंक है। तो जितना भी बी सी डी आई जी एस टी कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज करता है, बिल ऑफ एंट्री का नंबर होता है, नंबर लेकर के उसको अपलोड कर देता है, और ये दोनों कनेक्टेड है तो कॉमन पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जी ये बंदा इंपोर्ट करके ले गया और इतना इसने आई जी एस टी लिया है, वहाँ से टू बी में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बिल ऑफ एंट्री हमारे पास है, टू बी में एंट्री आएगी, उनकी जो पोर्टल है उससे एंट्री आ जाती है, उसमें सारे बिल ऑफ एंट्री के नंबर है, डेट वाइज सबकी डिटेल है, कितना कितना लिया है, वो यहाँ से आ जाएगी, फिर टू बी में एंट्री आ जाएगी, वहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, अगर मैंने इनवॉइस के बिना लिया, बिल ऑफ एंट्री के बिना लिया, तो सेक्शन 16 का वायलेशन हो गया, रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज कर लिया 5388 बी, और अगर कमिश्नर की नॉलेज में आ गया अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो 86 ए था ना रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे टेम्परेरी स्टे लगा देंगे कि अभी तुमने ले तो लिया, यूज़ नहीं करना, हम चेक करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ है। तो देखो एक कनेक्ट होके आ रहे हैं सारे 5088 बी, देन ये वाला पार्ट 16 86 ए, सारे कनेक्ट होके आ रहे हैं। 86 ए से ही कनेक्टेड 86 बी है, वो कह रहे जो पर्सन 99% ज़्यादा यूटिलाइज करेगा, समझो इसने गड़बड़ की, हमारी नॉलेज में नहीं आया, ये गड़बड़ कर गया है, नॉलेज में नहीं आया 99% वाला। अब जैसे ये रिपोर्ट करेगा 99% यूटिलाइज हुआ है, अब इसकी सारी चेकिंग कर लेंगे, स्पेशल जीएसटी ऑफिसर को भेज देंगे, जाके चेक करके आओ इसकी सारी इनवाइसेस, और चेक करके आओ सारा सामान आया कि नहीं आया, चेकिंग करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। फीस के ऊपर 86 ए लगाएंगे, 86 बी इंडिकेटर है, 86 ए लगा देगा। ठीक है, देखिए इतना पार्ट। उसके बाद रजिस्टर वाज रिसीव्ड टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट, ये हो गया ना। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में कि जो सप्लायर आपका, वो सब बातें जीएसटीआर 1 में बताई भी तो सारी, तभी तो आपका टू बी बनेगा, उसके अंदर आना चाहिए। फिर 41 एज पर 41 इंफ्रीशन टेकन आई टी सी बट सप्लायर नोट पेड आउटपुट टैक्स, इन दैट केस द रिसिपियंट शैल रिवर्स द आई टी सी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड इफ सच सप्लायर मेक्स पेमेंट सब्सिक्वेंटली रिसिपियंट कैन अवेल आई टी सी अगेन। एक बार इसको रीड करो, ये नया सेक्शन आया 41, पहले जो पुराना था इसका मटेरियल हटा दिया, नया मटेरियल आ गया इसके अंदर 41 में। देखो पुराना पार्ट में कह रहा था सप्लायर रिसिपियंट, ये इनवॉइस इशू किए जा रहा है दुनिया भर की बिना सामान बेचे, फेक फिक्टिशियस, उधर से जीएसटीआर 1 भरे जा रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा डिपार्टमेंट को, ये कह रहा मुझे क्या पता वो पेमेंट कर रहा नहीं कर रहा, मेरे पास तो इनवॉइस है, मैं तो आईटीसी लूँगा, ये आईटीसी लिया जा रहा है बिना सामान खरीदे, वो जीएसटीआर 1 भरे जा रहा है पेमेंट नहीं कर रहा, गौम से हमारे पास तो आ नहीं रहा पेमेंट और तुम आईटीसी लिए जा रहे हो। बाद में लार्ज स्केल पे बड़े बड़े फ्रॉड निकले, तो अब क्या कर दिया कि खाली जीएसटीआर 1 भरने से काम नहीं चलेगा, इसको मैं पेमेंट भी करना, वरना तुम्हारा आईटीसी गया, वापस करो सेक्शन 41। अगर इसने पेमेंट नहीं किया हम 4 महीने बाद पकड़ेंगे, 4 महीने बाद तुम्हें सारी आईटीसी वापस करो। पहले ये क्या करता रिजन बुक है जी, मुझे क्या पता उसने नहीं दिया, तो उससे पूछो ना मुझे क्यों कुछ कह रहे हो, उनसे नहीं हमने लिख दिया इसके अंदर, तुमसे आईटीसी वापस ले लेंगे, और आईटीसी रोंगली अवेल्डिंग की डिग्री में जाएगा। 86 ए में पढ़ के देखो ये भी लिखा हुआ है कि आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और आपने आईटीसी लिया, रोंगली अवेल्ड में जाएगा। मिला के देखो 86 ए पूरा इसकी कॉपी है, इसमें लिखा ये करना है, उसमें लिखा अगर ये नहीं किया तो रोंगली अवेल्ड में जाएगा, इसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ सारा एज इट इज है, सारे पॉइंट सेम उसके अंदर है। देखो एक बार रीड करके, देखो सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, पहले नहीं किया तो नहीं किया, हमारा कोई मतलब नहीं सप्लायर की पेमेंट से, हम तो आईटीसी ले लेंगे। अब क्या है, सप्लायर ने पेमेंट किया कर दिया
नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो पहले ही ले चुके थे गुरु से, तो क्या वापस करो? रोंग रिएबिलिटी कैटेगरी में जाएगा, और यूटिलाइज किया तो वापस करो, तो सारा वापस करना पड़ेगा। और 86 ए रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है कि हम आपको यूज़ भी नहीं करने देंगे, यूटिलाइज कर चुके हो तो इंटरेस्ट का तो वापस करो, और अभी अवेल किया है तो हम आपको यूटिलाइज ही नहीं करने देंगे, रोक देंगे इसको। ठीक है, देख लो एक बार और। अब देखो सिक्स पॉइंट, इफ रेसिडेंट हैज नॉट मेड द पेमेंट स्टिल आई टी शेल बी अलाउड, बट पेमेंट शुड बी मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू इनवॉइस, अदरवाइज अमाउंट ऑफ आई टी हैज टू पेड अलोंग विद इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 18% पर एनम कंप्यूट इन द मैनर गिवन अंडर सेक्शन 50। इफ पेमेंट इज मेड सब्सिक्वेंटली कैन अगेन टेक आई टी सी, फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 4 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, हाउएवर दिस प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज। चलिए पहले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको रीड करते हैं सिक्स पॉइंट। ठीक है, ब्रेक पर गए। हाँ, पेज 111, पेज नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन कौन सा है? 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18। आईटीसी लेने से पहले ये तीन सेक्शन पढ़ने जरूरी है, वरना आईटीसी रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। एक ही सेक्शन नहीं है, तीन सेक्शन है ये, अभी दो और आएंगे। तीन सेक्शन पढ़ने के बाद पता लगता है आईटीसी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वरना रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में जाएगा। 16 में दो पार्ट मेन है, 16-1, 16-2, 16-3 में थोड़ा सा डिफरेंट है, 16-4 में थोड़ा सा डिफरेंट है। मेन ये दो हैं, 6 कंडीशन इनमें है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और 17 है फिर पूरा, और 18 है फिर पूरा। तो तीन सेक्शन के बाद समझ में आता है किसका आईटीसी लेना किसका नहीं, वरना हो जाएगा रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में। अब ये देखो, जो लास्ट नंबर हम पढ़ रहे थे 6 नंबर, अगर रिसिपिएंट ने सामान खरीदा है क्रेडिट पर तो उसे हमें कोई इतराज नहीं, आप क्रेडिट पे लो, आप आईटीसी लो, लेकिन आपको पेमेंट अल्टीमेटली करना पड़ेगा। कितने दिन में? 180 दिन, 6 महीने में। अगर 6 महीने निकाल दिए तो आईटीसी रोंगली कैटेगरी को, रोंगली अवेल्ड की कैटेगरी में जाएगा, वापस करो, और 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करो। लेकिन आपने फिर कभी पेमेंट कर दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेना। 16-4 की लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। 16-4 की लिमिट क्या होती है उसकी अलग से बात करेंगे, पहले एक बार आप रीड कर लो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में। देखो प्लीज मीनिंग, 20 जुलाई को सामान खरीदा 100 लाख का, 20 लाख का आईटीसी मैंने ले लिया, सेलर ने मुझे सामान क्रेडिट पे दिया है, मैं पेमेंट करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, ये तो हमारी आपस की बात है, और आपको पता है आपस की बात में कोई थर्ड पर्सन इंटरफियर नहीं कर सकता, करेक्ट और नॉट, इज राइट है हमारा, बट गौर से नहीं, हम तो करेंगे, इंतज़ार करेंगे 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर, 20 नवंबर, 20 दिसंबर, हो गए 6 महीने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 मंथ हो गए ना। यहाँ तक आप पेमेंट कर देना, नहीं किया तो जो 20 लाख अवेल किया था इस डेट के बाद रोंगली अवेल की कैटेगरी में जाएगा, और वापस करो, खाली वापस मत करो, 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करो। लेकिन सारी पब्लिक इसको प्रोटेस्ट कर रही है, जी ये गलत है, हमने आपस की बात, तुमने क्या लेना है? फिर तुमने कहा था सप्लायर ने हमें टैक्स दे दिया, इस सप्लायर ने तुम्हें टैक्स दे दिया ना, चाहे अपनी जेब से दिया, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारी ये कंडीशन पैरेलल चल रही है कि सप्लायर टैक्स का पेमेंट करे,
तो सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया, मैं उसको दूँ ना दूँ तो हमारी आपस के साथ नहीं, आपको पेमेंट करना है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे वही कारण है 2B से पहले की बात। ये सब पुराने प्रॉब्लम जो थी ना वो हैं, ये पुरानी प्रॉब्लम, जबकि 2B के बाद ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अब हट जानी चाहिए। लेकिन वो क्या था, जब 2B नहीं थी तो मैंने क्या कहा था, सप्लायर इन GST 1 दिए जा रहा है, रिसिपिएंट को इनवाइस, ना इसने सामान खरीदा, ना इसने बेचा, ना इसने पेमेंट दी, ना इसने पेमेंट ली, झूठी फेक इनवाइस का पूरा पूरा बिजनेस है, मार्केट में चल रहा है। तो गवर्नमेंट से तुमने पेमेंट नहीं किया तो हमें ऐसा डाउट आ रहा है, कहीं ये वो फेक इनवाइस तो नहीं है जिसमें खाली इनवाइस आई, सामान ही नहीं खरीदा, पेमेंट नहीं हुआ, वरना कौन सा सप्लायर है चुपचाप बैठ जाएगा सामान दे के पैसे नहीं मांग रहा तुमसे? महीना दो महीने के बाद दूसरी है, 6 महीने निकल गए, ये तो भाई गड़बड़ है, झूठी इनवाइस का केस है, पेमेंट दोगे तो प्रूव हो जाएगा, वरना हम अलाउ डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन अब तो आ गया 2B, 2B जो है सारी चीज़ें कन्फर्म करवा रहा है कि पहले वो GST 1 में आए, वो पेमेंट भी हमें करे, सब कुछ करे, फिर हम तुम्हें अलाउ करेंगे। अब इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है जो ये पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है स्टार्टिंग से लिखा हुआ है, पेमेंट करनी भी जरूरी है। उनसे वी वांट टू इंश्योर डबली, उधर से भी इंश्योर करो, इधर से भी इंश्योर करो, पेमेंट हो गई है तो मान के चलेंगे सामान भी आया होगा, वरना पेमेंट कैसे हो गई है, ये मीनिंग है इसका। फिर एक और एग्जांपल देखो आप, जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था या पहले दिया था, मेरा बिजनेस है 1000 लाख का सामान खरीदा, 400 लाख का GST है, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फेल हो गया, मार्केट में नहीं चला, 400 लाख का टेस्टेड पड़ा है, बेकार किसी काम का नहीं, रिफंड नहीं मिलेगा, उधर से इनकम टैक्स में लॉस आ गया मान लो 500 लाख का, तो क्या करें? मैंने किसी और कंपनी से बात किया, इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने कहा तुम बस वैसे इनवाइस बना के भेज दो कि तुमने हमें सामान की सप्लाई दी है, उसमें 400 लाख का GST चार्ज कर दो, उसके बाद उस GST का जो आपको पेमेंट करना है ITC आपके पास पड़ा एडजस्ट कर देना, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हम 400 का ITC लेके एडजस्ट कर लेंगे और हमें 400 लाख का बेनिफिट जाएगा, और फिर हम शो करेंगे सामान हमने आपसे खरीदा है, और क्योंकि आपने हमने आपसे सामान खरीदा तो ड्यू बेस पे हम इसे डेबिट कर देंगे, अपनी इनकम को रिड्यूस कर देंगे, आप इनकम में दिखाओगे आपका लॉस एडजस्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स आपका बच गया, हमारा कम हो गया, GST का ये एडजस्टमेंट हो गया, ना तुमने कुछ बेचा, ना हमने लिया, ना पेमेंट दिया ना लिया, इतना बड़ा काम हो गया, ना कुछ हुआ ना हुआ। तो गोमसी ये सब क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है? तुमने कहा ये सब कागजों में हो रहा है, आपके सामने देख लो, अगर 2B का सिस्टम ना हो, इसके टैक्स पेमेंट के सिस्टम ना हो, आपस में पेमेंट की बात को गवर्नमेंट इग्नोर कर दे, ये होगा। अब गवर्नमेंट इनको पकड़ लेगी कि जो बिल आया था तुम्हारे पास, ड्यू बेस पे सारे एडजस्टमेंट कर दिए, उसका पेमेंट कर दिया तुमने, पेमेंट तो ना किया ना करना, ना सामान आया ना पेमेंट जाएगा। अब ये 6 महीने बाद, 6 महीने निकलने पर टैक्स क्रेडिट वापस रखवा लेंगे कि जितना तुमने ITC अवेल किया 400 लाख का, करो वापस, पेमेंट क्यों नहीं किया? तो ये उस समय बन के आए थे, तो अब उन्होंने कहा चलो 2B आ गया, कोई बात नहीं, ये भी चलने दो, ये वो भी चलने दो, इसके बावजूद भी लोग कर जाते हैं रफेरी, इतने तरीके हैं मैं आपको बताऊं, आप सोच भी नहीं पाते, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, लेकिन मैं वो क्लास में वो बात करूंगा नहीं, लेकिन मेथड बहुत है जो शायद गवर्नमेंट की नॉलेज में भी ना हो, इतने तरीके हैं, जरा रीड करके देखो। अब देखो 6 कंडीशन याद रहेंगी ना आपको, लगभग यही कि 86A में लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस उसमें यह था टोटल फ्रॉड, इनवाइस देने वाला मिल ही नहीं रहा, फिक्टिशियस नेम, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मिल ही नहीं रहा, 86A में एक्स्ट्रा था, और जिसने ITC से लिया है, जिसको नोटिस दे रहे हैं, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, सब एडजस्टमेंट करके गायब हो गया, बिजनेस का प्लेस नहीं मिला, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये पूरा ही फ्रॉड है, और ये प्रोसीजरल लैप्सिस में हम चला जाता है या छोटी मोटी हेराफेरी में चला जाता है, तो सारे कवर किए हुए हैं। अब इन्होंने कहा 64 की लिमिट नहीं लगेगी, उसका मतलब क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 6 महीने हैं, ठीक है, 20 जनवरी को मैंने वापस कर दिया कि जी ठीक है मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप वापस ले लो 20 लाख प्लस 18%, लेट सी, मैंने इसको यूटिलाइज भी कर दिया था 20 जुलाई को, यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यूटिलाइज मान लो 20 अगस्त को किया तो वहाँ से लगेगा, यूटिलाइज 20 सितंबर को तो वहाँ से लगेगा, 50(3)(88B), ठीक है, यूटिलाइज नहीं किया कोई बात नहीं, वापस कर दो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन मेरा तो भाई जेन्युइन केस है,
मैंने तो जेन्युइनली लेट हो गया था, पैसे नहीं थे, फिर मैंने 20 जनवरी को वापस करके और 20 मार्च को पेमेंट कर दिया। तो उनसे कोई बात नहीं, अब दोबारा ले लो, हमें क्या पता, हम तो यही समझ रहे थे फिक्टिशियस है, आपने पेमेंट कर दिया तो ले लो। और जब आप दोबारा लेंगे तो आपके पास 16-4 की लिमिट नहीं लगेगी। 16-4 की लिमिट क्या होती है? 16-4 की लिमिट ये होती है, देखिए एक इनवाइस है, वो इनवाइस इशू हुई है 20 मई 2022 को, सप्लायर ने, रिसिपियंट इसका टेस्टेड ले लेगा मई महीने की जब पेमेंट करेगा 20 जून को, तो यहाँ पे रिसिपियंट इसका ITC ले लेगा, करेक्ट और नॉट? हम इनवाइस दे देंगे, हमारी GST रन में चला जाएगा, रूबी में आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इससे जो है इनवाइस मिसप्लेस हो गई, बहुत सारी इनवाइस थी, एक बीच में थी नहीं, तो इसने ITC नहीं लिया, क्योंकि 2B में आने के बाद भी अगर 16 सेक्शन की कंडीशन पूरी नहीं है तो नहीं लेना। उसे अभी थोड़ा पता है आपके पास इनवाइस आ गई, हम तो ये मान के 2B में दे रहे हैं कि 16 सेक्शन की सारी कंडीशन पूरी होगी, नहीं हुई तो आपको पता होगा, नहीं लेना। वो तो ऑडिटर आएंगे, जब ऑडिट करेंगे तब बताएंगे कि जिनके पास तो इनवाइस ही नहीं थी, इनको ले रखा है, नहीं लेना आपको। तो इसने नहीं लिया, फिर वो इनवाइस मिल गई जून में, तो जून में ले लो, नहीं मिली 31 मार्च तक, तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी ले लो। कब तक? 30 नवंबर 2023 और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, यानी पहले भी हमने बात की है, सबके लिए यही डेट है, GSTR 1 का रेक्टिफिकेशन यहाँ तक, 3B का रेक्टिफिकेशन यहाँ तक, क्रेडिट नोट इशू करना यहाँ तक, सबके लिए लास्ट डेट यही है। तो इसकी ITC लेने की भी लास्ट डेट यही है। तो लेट्स सी, इस केस में जो मैंने पेमेंट किया वो 30 नवंबर के बाद किया, 20 मार्च को नहीं किया मैंने, 31 दिसंबर 23 को यहाँ इसको पेमेंट किया, तो उसे ले लो, लेकिन 30 नवंबर तो निकल गया, सेक्शन 64 की लिमिट गोल से वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेगी, ले लो आप, आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने पहले टेस्टेड लिया था, हमने वापस करवा लिया, क्यों? क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं किया, बाद में तुमने पेमेंट कर दिया, बाद में तुमने पेमेंट कब किया? कभी भी किया हो। 16-4 की जो नॉर्मल लिमिट है ITC लेने की 30 नवंबर या लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, वो आपके लिए नहीं लगेगी, आप कभी भी ले लेना। तो ये लिखा हुआ 16-4 की लिमिट आपके लिए नहीं लगेगी, आप रीड करके देख लो, ये कंडीशन नंबर 6 है। देखो 16-4 को अलग से भी रीड करवाता हूँ, अलग से भी दिया हुआ है इसी पेज पर, बीच का एक पैराग्राफ छोड़ के आ जाओ। 16-4, एज पर 16-4, रजिस्टर शैल नॉट बी एंटाइल्ड टू टेक इनपुट एज क्रेडिट आफ्टर 30 नवंबर, जिस साल की इनवाइस है अगले साल के 30 नवंबर तक मैक्सिमम आप ITC ले सकते हो, इसके बाद नहीं लेने देंगे। और अगर आपने एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 की GSTR 9 उस डेट से पहले फाइल कर दी, तो फिर जिस दिन आपने फाइल किया वहाँ, उसके बाद अलाउड नहीं है। लेकिन जो जिसका हमने टेस्टेड रिवर्स करवा दिया पेमेंट डाउन की वजह से, उस पर 16-4 नहीं लगता। बीच में 16-3 है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, देखिए 16-3, पर्सन ट्रेनिंग कैपिटल गुड्स हैज टेकन ITC, डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड। अगर हमने प्लांट मशीनरी खरीदा है और GST का ITC ले लिया, तो डेप्रिसिएशन उस अमाउंट पर नहीं मिलेगी। प्लांट खरीदा 30 लाख का, GST दिया 6 लाख का, तो इसमें 6 लाख का ITC ले लिया, डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगी? 30 लाख पे। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हुए हैं और अंडरस्टूड भी है। तो ये सेक्शन 16 है, पूरा खत्म हो गया, पूरा रीड कर लो।
हाँ जी, सेक्शन 16 में सार्विक डाउट, छह कंडीशन याद रखनी है आपको। 16-4 सिंपली आपसे पूछे लिमिट क्या आईटी से लेने की। 16-4 अगर कैपिटल गुड्स का जीएसटी या आईटी से ले लिया, डिविडेंड किस पे मिलेगी, उस अमाउंट को हटा के। और अगर आईटीसी नहीं लेना तो पूरे 36 लाख पे मिल जाएगा। ऑप्शन इज यूएस गोव से, आप देख लो आपको क्या करना है। ये बात सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखी हुई है। ये तो बात अंडरस्टूड है ना। देखो आप बताइए, मैंने प्लांट खरीदा 40 लाख का और जीएसटी दिया 8 लाख, फिर मैंने 8 लाख का आईटीसी ले लिया, तो डेप्रिसिएशन बताओ कौन से अमाउंट पे मिलेगी, 40। ये बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 में भी लिखी हुई है और 43(1) में भी लिखी हुई है। एक्चुअल कॉस्ट निकालते हुए दोनों में लिखा हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आईटीसी, या ये समझ लो कि आईटीसी के रूल्स मुझे इसका आईटीसी लेने के लिए परमिट नहीं करते, मेरे पास इनवॉइस ही नहीं आई, आईटीसी कैसे ले लूँगा मैं, ठीक है। या मैंने पेमेंट ही नहीं की, आईटीसी कैसे ले लूँगा मैं, तो उससे हाँ अब ठीक है, आप डेप्रिसिएशन ले लो, अब डेफिनेट 48 लाख पर मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा था 13 सीटर तक, 13 की कैपेसिटी वाली मोटर कार का आईटीसी मिलता ही नहीं है। इनवॉइस की बात नहीं है, पेमेंट की बात नहीं है, सामान वो तो मिलता ही नहीं है, ब्लॉक किया हुआ है। सेक्शन 17(5) है इसी चैप्टर का, वो कह रहा है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जबकि इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है मोटर कार बिजनेस में तो हम सारे खर्चे अलाउ करेंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन अवेल कर लेंगे 48 पे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा कौन सा लॉस हुआ, P&L में डेबिट कर लिया, कुछ तो कंपेंसेट हुए। ऐसी बिल्डिंग का मैंने कहा था आईटीसी नहीं मिलता, ना मिले, बिल्डिंग को इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है बिजनेस का एसेट है, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, हम सारे खर्चे मिला के क्लेम कर लेंगे। ये थोड़ा कंपेंसेटरी है, वहाँ के इसके प्रोविजन में डिफरेंस होने से थोड़ा सा बेनिफिट वहाँ मिल जाता है। यहाँ आईटीसी नहीं देंगे कोई बात नहीं, कम से कम इनकम टैक्स में तो क्लेम कर ही लेंगे। तो वो ऑप्शन है कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जरूरी नहीं कि ब्लॉक किया हुआ तभी वो करोगे। मिल रहा है, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे कर लो, वैसे और कोई लेगा क्यों नहीं लेगा, कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे कर लो, ठीक है, रीड करके देख लो। एक क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 112 पर इलस्ट्रेशन 1, जल्दी से रीड करके देखो। 112 में इलस्ट्रेशन 1, सेक्शन 16 के कितने पार्ट, 6 कंडीशन इनमें है। कैपिटल गुड्स की बात इसमें है, आपको आईटीसी चाहिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आईटीसी मिल रहा उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैक्सिमम लेना है तो लो, कब तक, 30 नवंबर तक, उसके बाद नहीं। और रिटर्न एनुअल पहले फाइल कर दी वहाँ तक, उसके बाद नहीं। क्रेडिट नोट इशू करना है यहाँ तक, इसके बाद नहीं। GSTR 1 में अमेंडमेंट करना है यहाँ तक, इसके बाद नहीं। GSTR 3 भी करेक्ट करना है यहाँ तक, इसके बाद नहीं। ये डेट अभी आगे भी 5-6 जगह और आएगी, सारे GST में डेट ये डाली हुई है कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास इनपुट की इनवॉइसेस हैं और 1 लाख उसमें GST लगा हुआ है, लेकिन एक इनवॉइस जिसमें GST 10,000 लगा था वो मिसिंग है, क्या हमें सेक्शन 16 उसका ITC अलाउ कर देगा? नहीं। इसका मतलब बचे हुए 90,000 का ITC हमने ले लिया, फिर कुछ इनपुट खरीदा था, इनवॉइस एक ही है, 2 इंस्टॉलमेंट में आनी है, वो अक्टूबर 22 का हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आई नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है, सेकंड नहीं हुई, ठीक है। तो इसका ITC तो गया जब तक कि सारा सामान नहीं आएगा। इनवॉइस अलग अलग होती तो ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग ले लो,
उसके बाद अगला कैपिटल गुड्स का है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि हमें ITC नहीं चाहिए, अगर ITC नहीं चाहिए तो डेप्रिसिएशन सारे अमाउंट पर मिल जाएगी। XYZ इसमें GST 120 है। XYZ लिमिटेड कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट फुल इनवाइस वैल्यू, GST का ITC उन्होंने मना कर दिया है तो ITC नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें डेप्रिसिएशन फुल वैल्यू पे मिल जाएगी। फिर 225 का इनपुट था, उसमें एक इनवाइस जिसमें 50,000 का GST लगा हुआ था वो अक्टूबर में रिसीव हुई है और ये ईयर हमारा 21-22 है, ऊपर जो दिया हुआ है हमें डिटेल 21-22 के हिसाब से दी हुई है। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC इन फुलफिल्ड, ABC इज नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेशल एग्जम्पशन, एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये केस किसका है? 21-22 का है। 21-22 का मतलब है कि 30 नवंबर 22 तक ले सकते हैं, लेकिन हमने एनुअल रिटर्न कब फाइल कर दी? 15 सितंबर 22, तो 15 सितंबर 22 के बाद नहीं ले सकते। और जबकि ये इनवाइस रिसीव हुई है अक्टूबर 22 में 50,000 वाली, तो 50,000 का GST छोड़ दो, बैलेंस 175 का मिल जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा, ठीक है ना, जिसको डाउट है देख लो एक बार, रीड करके देख लो। अच्छा, जो पहले सिस्टम था ना पुराना, वो ये था कि जब आप सितंबर मंथ की, जैसे मान लो 21-22 ले लेता हूँ मैं, तो अगले साल यानी सितंबर 22 की जब आप GSTR 3B फाइल करोगे 20 अक्टूबर, तो पहले लास्ट डेट ये होती थी और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, पहले पूरे GST में ये डेट होती थी सितंबर की जब आप GSTR 3B भरोगे वो लास्ट डेट थी। अब इसको काट के क्या कर दिया, सीधा सीधा लिख दिया 30 नवंबर 22 अगले साल की, तो सारी बुक से वो काट काट के ये किया। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अगले पेज पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो ये लिखा है कि सितंबर की रिटर्न फाइल करने का टाइम 20 अक्टूबर था, लेकिन हमने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी यहाँ तक, तो ये काट के कर लेना 30 नवंबर 22। कर लोगे या मैं करवाऊँ? अगले पेज पे पढ़ के देखो, पेज नंबर 113 के टॉप पे देखो, वो पुराने वाला प्रोविजन लिखा हुआ है, सितंबर की रिटर्न जब तक फाइल करनी थी उसकी बजाय कर देना 30 नवंबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये पुराना है, ये चेंज करना रह गया। 113 पेज के ऊपर है ना, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस पर्टेन्स ऑफ द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो ये पहली वाली लाइन है ना सितंबर वाली, ये नहीं है, इसके बदले में क्या आ गया 30 नवंबर और द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एक काम करो ना, जितना ऊपर लिखा हुआ इस पर काटा मारो, 113 के पूरे पैराग्राफ को काट दो, मैं एक सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, लास्ट डेट ये लिख लेना एक, शैल बी 30th November 22 और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, दैट इज कौन सी डेट को फाइल हुई है, 15 सितंबर 22 विच एवर इज अर्लियर, ये कर लो बस, वो काट दो पैराग्राफ, ये डिटेल डाल दो, अकॉर्डिंगली आंसर तो सेम ही आएगा, 15 सितंबर ही आएगा क्योंकि रिटर्न पहले फाइल हुई है, दोनों केस में आंसर तो यही आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये देनी है वो वाली नहीं, वो पुराना है, वो हट गया है। ठीक है, तो अब आपको घर से सारा याद करके आना यहाँ तक, अगली क्लास में आधे टाइम टेस्ट चलेगा और आधे टाइम पढ़ाई क्लास में पढ़ाई होगी, आधा टाइम मैं आपसे लिखवाऊंगा पीछे का कोई भी क्वेश्चन, हर क्लास में अब आगे 1 घंटा आपको लिखना है, 2 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा, 1 आवर याद करने का होगा, मैं तरह याद करके आओगे लिखोगे यहाँ और जिसको मैं कहूँगा वो यहाँ सुनाएगा, पूरा याद करके आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।